जी सर, आपका सर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है सर। जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है सर उस तरफ से। चतुर्वेदी जी को आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे साफ है, परंतु आप पहले बीच में आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, चुग मुझे साहब आपकी को, आवाज दिख रही है। हाँ अच्छा ठीक है, चुग साहब को आवाज आ रही है ना? मुझे आ रही आवाज सर, कोई दिक्कत ठीक नहीं। अभी मेरे ठीक को बिल्कुल ठीक आ रही है, बीच में कट कट के आ रही थी आपकी आवाज। जी, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। दिस इज 2:02 PM जी और जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर। ठीक है सर, मैं मुझे, स्टार्ट कर, हाँ जितने भी हैं उन पार्टिसिपेंट्स को जो है उनको सर स्टार्ट कर रहा हूं सर। ठीक है सर, आई एम जस्ट पुटिंग ऑन सर। मुझे इंट्रोड्यूस करने दीजिए। मैं इंट्रोड्यूस जी करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आपको हैंड ओवर करूंगा। जी 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 हाँ, जी तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, टू वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल सीरीज ऑफ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेक्शन ऑफ प्रोग्राम विंग ऑफ NABM न्यू दिल्ली। टुडे वी आर कंडक्टिंग द ट्रेनिंग वेबिनार ऑन द टॉपिक एथिक्स एंड वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन 2 सेशंस। द फर्स्ट सेशन वुड ब्रॉडली कवर टॉपिक्स लाइक व्हाट इज एथिक्स, फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल गवर्नेंस, कनेक्शन एंड केयर फॉर सेल्फ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एनवायरमेंट, वाइल द सेकेंड सेशन विच इज अप्रॉक्सिमेटली गोइंग टू बिगिन एट 3:30 और सो, इट शैल फोकस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, एथिकल डायलेमा इन लाइफ एंड पब्लिक गवर्नेंस एंड अदर रिलेटेड इशूज। आवर रिसोर्स पर्सन टूडे श्री के चोक, श्री कृष्ण कुमार चोक is a seasoned trainer on ethics and values in administration. He has a very rich experience of having worked at DOPT, Government of India, retired from there as a director, and currently he is empaneled as a national trainer on the subject. Since the subject itself is of universal importance, we have invited all the officers and staff members of administration, program and engineering wings of All India Radio, Doordarshan and Prasar Bharati Secretariat. Now, in the wake of digital revolution, we are doing most of our office work online, which has its own challenges in terms of efficiency and stress running side by side. An online webinar, therefore, in these corona times is more than perfectly suited. Normally, we conduct this kind of a workshop for 3 days, which contains approximately 12 sessions or so. If you minus 2 sessions, the introductory session and the valedictory session, this makes it 10 sessions. But then, since we don't have time for holding 10 sessions, we have customized this workshop in 2 sessions. And we have tried our best, level best, to present as much as possible and to give you a encapsulated kind of a training material as far as this particular subject is concerned. I hope that all of you would find great value out of this workshop. Now, maintaining work-life balance has become extremely challenging due to multiple demands upon the individual, both related to personal as well as professional life. On this note, I wish you all the best and take permission to begin the webinar. I shall now introduce. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर. चुग साहब को मैं हैंड ओवर कर रहा हूं टू बिगिन द प्रेजेंटेशन ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम.
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड इनफैक्ट आपने मेरे को काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दे ही दिया और सब्जेक्ट के बारे में दे दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माई पार्टिसिपेंट्स हुआ देयर। एंड इनफैक्ट अभी जैसे सर ने बताया आपसे हम चैलेंजेस हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में एथिक्स एंड वैल्यूज पब्लिक गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कि हम फिजिकल जो है मोड पे ज़्यादा करना पसंद करते हैं, कि जहाँ पर हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें, आपके व्यूज़ ले सकें। परंतु हर एक चीज़ की, जैसे हर एक चीज़ की अलग डिमांड रहती है, हर एक चीज़ के अपने चैलेंजेस आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है हम जो है इस ऑनलाइन कर रहे हैं। मेरी जब ओझा साहब से बात हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद फर्स्ट प्रोग्राम जो एथिक्स एंड वैल्यूज पब्लिक गवर्नेंस के ऊपर ऑनलाइन प्रोग्राम आप लोगों के इंस्टीट्यूशन के लिए कंडक्ट करूंगा। बट एज चांस वुड हैव इट कि ऐसे ही एक और इंस्टीट्यूशन मुझे रिक्वेस्ट किया और उनका प्रोग्राम मैंने 22 जनवरी को मैंने किया था। उससे जो लेसन लर्न हुए, उससे जो चीज़ें लर्न हुई, आज कैसे मैं उसको करता हूँ, कैसे आपको अच्छा लगता है, वो हमें आने वाले जो 3 घंटे के अंदर में हम जो है देखेंगे। बट इस नोट के साथ में और थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको जो और बताना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं डायरेक्टर के रिटायर हुआ, बट मेरा अपने कुछ शौक है कुछ कविताएं लिखने का, मेरी कविताएं कुछ पब्लिश भी हो रखी है। हो सकता है इस प्रोग्राम के दौरान मैं एक आध कविता का प्रयोग भी करूं और आपके साथ में शेयर करूं। इस नोट के साथ में कि हम आज का सेशन बड़ा इंटरेक्टिव होगा, मैं अपनी जो है एक प्रेजेंटेशन बनाया है और प्रेजेंटेशन बनाया जो इसे स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन हो जाए, जो आप लोग देख सकें। मैं उस प्रेजेंटेशन को मैं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसके अपने चैलेंजेस हैं। तो मेरा ये एफर्ट्स रहेगा कि आपको पहले मैं आप मेरे को आप सुन लीजिएगा और अपने जो साथ ही साथ में आपके पॉइंट्स है उसको नोट करते जाइएगा, और जो भी आप बात होगी वो हमसे एट द एंड ऑफ द सेशन आपसे वहाँ से शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो मैं आपको जो है खुद ही आंसर। हेलो, इज इट ओके सर, मेरी वॉइस ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? तो वहां पर जो है कि इस चीज के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कि जो आपको इसको अच्छे से अच्छे ढंग से हम कर सकें। और क्या चीज कहते हैं वो जो मैंने आपसे अभी रिक्वेस्ट की थी, हम जो है एक तरफ से मेरी तरफ से आपको इनपुट रहेगा, मैं आपकी तरफ से अज्यूम करूंगा जो आप लोग कह सकते हैं क्या करेंगे। तो मेरी प्रेजेंटेशन के बाद में जो भी आपके पॉइंट्स आपके आते हैं और कुछ आप अपने तरफ से शेयर करना चाहते हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य की बात होगी कि आप लोग शेयर करेंगे और वही जो है इनपुट्स होगा आने वाले वक्त में जब मैं और सेशंस कंडक्ट करता हूं तो मेरे लिए यूजफुल होंगे, वो मेरे लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ में सब सेशन स्टार्ट कर रहा हूं अपना, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशंस को आप लोगों को यूजफुल लगेगा। एंड आई जस्ट गो टू दिस शेयरिंग, जस्ट 1 सेकेंड सर। सर मेरा स्क्रीन पे आ गया है मेरा प्रेजेंटेशन सर? हेलो जी सर, आ गया ठीक है सर। मैं अभी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में डाल रहा हूँ सर, और उसके हिसाब से मैं चलता जाऊंगा सर उसके हिसाब से। और जैसे हमने आपको निवेदन किया कि मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आप अपने एट द एंड ऑफ द सेशंस आप हमेशा कुछ भी मुझसे बात कर सकते हैं, वी विल जस्ट शेयर ईच अदर थॉट, वो बहुत अच्छा यूजफुल रहेगा। सर जैसे आप ये देख रहे हैं कि एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस, आपने एडमिशन वजह से आपने एडमिनिस्ट्रेशन कहा और मैं उसको एक आज और सोफिस्टिकेटेड वर्ड दे रहा हूँ जिसको पब्लिक गवर्नेंस के हिसाब से आ जाता है सर। तो पब्लिक गवर्नेंस के अंदर में सर अगर आपको याद होगा एक बार सिटीजन चार्टर की बात आई थी, तो जब सिटीजन चार्टर की बात आई तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमारे यहाँ पर हम तो सिटीजन से इंटरेक्ट नहीं करते, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और शब्द निकाला क्लाइंट चार्टर। तो बेसिकली क्लाइंट क्या मतलब, चार्टर का मतलब ये होगा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ कर रहे हैं तो दैट पर्सन, मान लो जी कोई जनरल सेक्शन में काम करता है और स्टेशनरी का इंचार्ज है, अदर बिकम्स पर्सन हैव बिकम देयर क्लाइंट्स। पब्लिक गवर्नेंस के अंदर बात जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ना केवल जो है सिटीजन आ जाते हैं, इवन दोज पर्सन जो आपके ऑफिस के अंदर में आपको डे टू डे जो है आपको हेल्प करते रहते हैं सर। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली अ ब्रॉडर टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक गवर्नेंस सर। दूसरा शब्द सर, ओजा साहब ने हमसे इंट्रोड्यूस कराते टाइम कहा कि नेशनल ट्रेनर सर, एक बार आपको मैं बताऊं सर, ना केवल एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस के ऊपर सर, जब मैं और भी जो मैं अपने टॉपिक्स कवर करता हूं सर, और इससे पहले जब मैं इसको इस कोर्स के थ्रू
मैं एक रिसोर्स पर्सन बना, तो मैंने अपना हमेशा जहां पर भी जाता था तो मैं फैसिलिटेटर का शब्द इस्तेमाल करता था। फैसिलिटेटर का मतलब ये हो गया सर, आप भलीभांति जानते हैं, आई कैन ओनली ट्रिगर द डिस्कशन सर, आई कैन शेयर विद यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर, बट एट द सेम टाइम एवरी सिंगल सेशन, एवरी सिंगल सेशन गिव्स मी आल्सो मेनी इनपुट्स। तो फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ व्यू आई लर्न फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स वट एवर यू नो वट एवर इनपुट दे गिव, एंड देर इज सो मच वैल्यूएबल इनपुट दैट यू नो फैसिलिटेट्स इन शेपिंग माई फ्यूचर सेशंस। So I will be only facilitating the discussion, sir. I am a facilitator, and to be very honest with you, man, there was a discussion in this, you know, that Panchgani, where we were, you know, we were given this material so that we can use it in future sessions, sir. There was discussion ki what exactly person should be called, whether national trainer or net or something terminal is different, sir. And sir, happily, sir, ki jaise maine aapse kaha, main apne purane sessions mein bhi istemal karte karte. जो मैं फैसिलिटेटर का शब्द शब्द इस्तेमाल करता था, एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड वाज यूज्ड सो एज टू डिस्क्राइब यू नो दैट एज अस एज अ नेशनल फैसिलिटेटर सर। यस सर, कुछ आवाज कुछ कह रहे थे सर, आई होप। तो यहाँ नेशनल फैसिलिटेटर के शब्द से मैं आपका आपको अपने इंट्रोड्यूस जैसे कराना चाहूंगा, आई एम फैसिलिटेटर, आप लोगों से मैं सीखूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अपना ईमेल दे दिया सर, जो मेरा ईमेल है, और साथ में फोन नंबर दे दिया सर। नॉर्मल कोर्स में मेरा जो है सबसे जी सर, हेलो, कुछ कह रहे थे सर? नहीं नहीं जो बिल्कुल ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके, तो वहां ईमेल एड्रेस मैंने अपना दे दिया सर। मेरा जो फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सर, ethics and values in public governance, this is one that, apart from this ethics and values public governance, right to information act, disciplinary matters, conduct rule, CCA rule, and some general rules also sir. Main apne participants ke sath hamesha share kar deta hu ki aap mera email address ye hai, mobile number ye hai, kabhi bhi aapko koi zarurat pade to aap mujhse hamesha contact kar sakte hain sir. Mera jo response time hota hai sir, 24 hours se zyada nahi hota sir, within 24 hours I definitely respond. मुझे नहीं मालूम है सर एथिक एंड वैल्यूज के ऊपर मेरे से कितना आप लोग इंटरेक्ट करेंगे आज के सेशन के बाद, बट एट द सेम टाइम मेरे को उम्मीद है कि आप जरूर सेशन में शेयर करेंगे, और मैं चाहता हूं आपसे वो जरूर आप मुझसे शेयर करेंगे सर। विद दिस इंट्रोडक्शन ऑन दिस स्लाइड सर, आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड सर? मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा सर। क्या प्रोग्राम था सर? मैं आपको एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में गया जहां पर कि इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के लिए लोग प्रिपेयर भी कर रहे थे, ऑलरेडी इन द इंडियन सिविल सर्विसेज में थे सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप तो जो है नेशनल फैसिलिटेटर फॉर एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस है, और वो एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए, एक अपना ऐसी जो है अपना उनके पास जो एग्जामिनेशन में दिया गया था, और उन्होंने कहा कि सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बात है? मैंने कहा मैं जरूर अपने विचार इस बात के ऊपर अपने आपसे शेयर करूंगा, बट लेट मी शेयर विद यू, जहां पर हमारा प्रोग्राम था वो किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर करिएगा, हो सकता है कि जो मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ आपको हेल्प करें, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट, आवर प्रोग्राम इज नॉट स्ट्रक्चर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो आप करते हैं वो करती रहिएगा, बट एट द सेम टाइम जो हमारा प्रोग्राम है उसके बाद में आपको जो है मैं अलग सा प्रोग्राम है, यहाँ क्या प्रोग्राम है यहाँ पर वी विल जस्ट डिस्कस सर। ये 2 वीक का प्रोग्राम था जो ओझा साहब ने आपको इंट्रोडक्शन में कहा, और आईसी सेंटर फॉर गवर्नर पंचगनी में उनकी कोलैबोरेशन के साथ में इट वाज थॉट दैट दैट सेंटर इज द बेस्ट और सेंटर फॉर डेवलपिंग दीज पर्सन सर। जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की ट्रेनिंग के साथ में कोलैबोरेशन का दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड सर, एंड यू नो कंडीशंस फॉर बिकमिंग अ नेशनल रिसोर्स पर्सन वाज that a person should have had a rich experience working in the government of India. वो चाहते थे कि जहां पर हम लोग जाएं अपने experiences को लोगों के साथ share करें, जिससे share करने के बाद में because you know that a raw person becoming a national facilitator for ethics and values public governance, he will not be able to know the subtleties of the government functioning. So they said that any person who has retired above 60 years of age and below 65 years, so some conditions are imposed. They say the person should not be below the rank of under secretary or deputy secretary, because they felt that persons working as under secretary, deputy secretary will have a rich experience on the functioning of the government of India. So they just tried to choose those persons. So hamara biodata wagara mangwaya tha,
And hundreds of persons applied for that, but out of that only, you know, the 17, 19, 19, 20 persons were taken, you know, they were just picked up. And luckily, I was one of them, sir. It was something which I did after my retirement, sir. This program, in fact, as I shared with you, it is not for the purpose of competitive examination. What it is, we will just share this, sir. As has already been shared with you, sir, minimum 2 days ka jo time is face-to-face interaction ke liye chahiye hota hai, because you know that it is not a question of monologue only. Today it may be, but at the same time, it is not a monologue. We just say ki aap activities de dete hain logo ko. Maine activities dene ke baad unse kehta hai, aap is activities ko karke laiyega. Jo karke laate hain, then we reflect on that. Jab reflect karte hain, to dekhte hain ki kahan par jo hai hamari jo hai kami reh gayi, kahan par jo hai improvement hogi. क्या वाकई में ऐसी चीज मुझसे भी हुई थी या क्या मैंने ऐसी अच्छी चीज करी थी सर, वो सारी एक्टिविटीज के बारे में हम बात करते हैं। जो एक्टिविटीज की बात है सर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जब मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, आई रिक्वेस्टेड दैट ऑर्गेनाइजेशन कि आप उसको वीडियो में करिए, इसको कैप्चर करिएगा। दैट इंस्टीट्यूशन वॉज काइंड एनफ, उन्होंने उसको कैप्चर वीडियो में करा, वीडियो में कैप्चर कर उन्होंने वीडियो में से शेयर किया सर। वो एक्टिविटीज क्या थी, क्या है, वो मैं आपके साथ बीच बीच के अंदर शेयर करूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हो सकता है मैं पूरी वीडियो आपको ना दिखाऊं, थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखाऊं। आप अपने आप को उस पोजीशन पे डालिएगा और सोचिएगा कि कैसा आपको आनंद आता है, कैसा आपका जो है इंटरनल जो अवेकनिंग होती है, या मान लीजिएगा समथिंग यू वुड हैव एंजॉयड सर। आई हैव शेयर्ड विद यू एज चांस वुड हैव इट, ये मेरा सेकंड ऑनलाइन प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड ऑन 22nd, एंड इनफैक्ट learning from that, as I said, I always learn. It is always a learning from that. Learning from that, I have still tried to, you know, improve that. And कल जब मेरे ओजा साहब ने सर डिस्कस किया, तो मैंने उनको ये बताया सर, I am giving final touches to the presentation. Hopefully, I will share with you by the evening. और मैंने उनसे जो है 8-1 बजे के करीब उनके मेल पे डाली थी, और आज मैंने उसके WhatsApp पे डाली। तो this is what exactly I will try to share with you. हम ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरा एफर्ट रहेगा सर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेर यू कैन फील फेस टू फेस इंटरेक्शन, इवन दो वी आर मीटिंग थ्रू वेब। सो ये आपको एंजॉय करना है सर, आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालिएगा। अपने सिचुएशन को डालने के बाद आप सोचिएगा कि कितना आनंद आता है कि आप जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन में करते हैं। बट डू एंजॉय दैट सर, अगर आप आइसक्रीम नहीं भी खा रहे हैं सर, आइसक्रीम का टेस्ट महसूस करने में कोई बुराई नहीं है सर। सो वी विल जस्ट गो फॉर दैट सर। सर हर एक चीज का स्ट्रक्चरिंग होती है, कई चीजें हम भूल जाते हैं सर, ऑफिस में भी हम भूल जाते हैं सर। मेरा यहाँ मेरा एफर्ट्स रहा है कि इस प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। हेलो, सो आई हैव डिवाइडेड दिस प्रोग्राम इनटू पार्ट्स सर। पार्ट वन जनरल, सर हम ऑफिस में काम करें या हम घर पे काम करें सर, हर एक चीज की हमारी चीज का रिफ्लेक्शन जो होता है एक दूसरे पर होता है सर। एक व्यक्ति जो है अगर मतलब कि बहुत गुस्से का इंसान है, तो उसका क्या फैमिली में होगा, क्या ऑफिस में होगा, क्या स्ट्रीट पे होगा, क्या कुछ होगा सर, वो जनरल चीजों में आ जाता है सर। तो मेरा पार्ट वन जनरल चीजों के लिए होगा, वो अनुभव के साथ से। उस जनरल के अंदर ऑफिस सिचुएशंस भी हैं, ऑफिस के बाहर के सिचुएशंस भी हैं सर। पार्ट टू जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन सर। सर आप यकीन करिएगा, मुझे मालूम है कि आप सब लोग भी करते होंगे, कभी ना बैठ के हम लोग जो है महसूस करते हैं कि क्या चीज है यार, किस लिए, इसके ऊपर क्यों हम इतना महसूस कर रहे हैं, ये क्या चीज है। क्या मतलब दूसरे को महसूस करने पे, खुद को जब महसूस करने की होता है, बड़ा आनंद आता है सर। क्या मैं भी ऐसा कर सकता था, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जर्नी थ्री कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल गवर्नेंस शेयर्ड विद अस इन सेंटर फॉर आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस जनरल एंड विद रेफरेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट सर। क्योंकि हमारा जो रोल है सर पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है सर, तो हम हर एक चीज को पब्लिक सर्वेंट्स के रूप में डालकर देखेंगे सर, देखेंगे चाहे वो हमारी जो है रोजमर्रा की जिंदगी में ही क्यों ना आ रही हो सर। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रियलाइजेशन, मैंने आपसे बोला सर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन एक चीज है सर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रियलाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, दैट इज अ पार्ट फोर सर। पार्ट फाइव सर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर भी जाते हैं, मैंने भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करी। एक मैंने बॉल गेम लोगों को खिलाई, वहां से कौन से लेसन लर्न होकर आए थे उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे सर। जिंदगी का एक पर्पस होता है सर, क्या वो पर्पस क्या है सर, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो हम देखेंगे अगेन थ्रू सम इंटरेक्शन सर। जैसे जो साहब ने बताया कि लाइफ बैलेंस शीट आपको पहले डिस्कस कर, क्या है लाइफ बैलेंस शीट, व्हाट इज इट, क्या मैं स्किप कर सकता हूं, क्या मेरे कुछ होगा, ये देखने की हमारी जो होता है। पार्ट एट एथिकल डायलेमा,
क्या है हम लोगों के पास में, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहां पर है, क्या चीज है, क्या एथिकल डायलेमा है या एथिक्स ही हमारे अंदर नहीं है, हम चीजें क्या एथिकल डायलेमा है तो क्या चीज एथिकल डायलेमा, क्या क्या इनएक्शन क्या एथिकल डायलेमा को देता है, रिजल्ट देता है, या इनएक्शन लेथार्जी को है सर। जॉग विद द पॉट अगेन ए गेम है सर, उससे एक क्रिएटिविटी है, उसका हम बताएंगे। अगर उस गेम के अंदर हम आपके पास होते, मैंने अगेन आई हैव जस्ट कैप्चर्ड ग्लिम्पसेस फ्रॉम द सेशंस कंडक्टेड अर्लियर, आई विल बी शेयरिंग विद यू कि कैसे कैसे लोगों को इसमें रियलाइजेशन हुआ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट डेफिनेटली, पावर्स ऑफ इंडिविजुअल, इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनवायरमेंट, आई ऑल्सो से रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, वी विल ऑल्सो डिस्कस को इम्पैक्ट पड़ेंगे कैसे हमारे पब्लिक गवर्नेंस के अंदर फर्क पड़ता है। Power of Individual, a poem which I just coined and I recited in one of the training institution. Sharing of thought, a sense of ethics through a song, of course our national anthem, and then request for feedback from come from your life. आप अपना जितना feedback देखेंगे सर उतना ही ज्यादा हम लोगों को, जब मैं ethics के programs conduct करूंगा उसमें भी मुझे भोली भांति अच्छे यूज करूंगा। I am also sure ki that whatever you know, feedback you give, it can also be useful for me in you know my conducting sessions, conduct rules, CCSS rules, discipline matters, or my roles as inquiry officer or under RTI. But at the same time, this is broadly structured. अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसके अंदर मैंने देख रखा है कैसे मूव करते हैं सर। हमने जो है किसी भी स्टेज पे, मेरे आपसे ये आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, किसी स्टेज पर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा सर। मेरे को ये पता है कि अगर मैं सिर्फ एक ही पकड़ लूं, जॉग विद द पॉट पकड़ लूं, तो वो भी मैं 2 घंटे में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं सर। बट लेट आई जस्ट वांट दैट यू शुड एंजॉय एवरीथिंग व्हिच आई हैव डन फिजिकली सर, दैट इज व्हाई आई सेड कि मैंने जो कोशिश करना है कि आपको वो एनवायरमेंट दिखाऊं जो मैं फिजिकल एनवायरमेंट में क्रिएट करता था। तो ये चीज में मेरा जी हाँ, मेरा एफर्ट्स रहेगा। Then I have got certain requests to make, sir. And requests are listen, observe, reflect. And if you feel that reflections, you know, makes you feel that these have to internalize. Or agar aap kehte ki nahi internalize karna, to aap apne aap ko jo hai sochiye kyun nahi internalize karna chahte hain? Kya wajah hai? Kya reason aap isko internalize nahi karna chahte? Aur mera aapse ek hi aapse request hai sir. जब भी आप अपना ओपिनियन फॉर्म करिएगा, क्योंकि जैसे हमारी लिमिटेशन है, जब भी आप अपना ओपिनियन फॉर्म करिएगा, हैव ए ट्रूथफुल ओपिनियन। अगर आपने कोई गलत, मेरी बात करते करते आपको महसूस होता कि यस यू हैड आल्सो कमिटेड सम मिस्टेक, देन यू मस्ट यू नो डू सम इंट्रोस्पेक्शन। यदि आपको लगता है कि नो यू आर द वन हु हैज रियली कंट्रीब्यूटेड टू दिस थिंग, तो आप उसको भी महसूस करिए, फील प्राइड ऑफ दैट फैक्ट कि दैट यू आर द वन हु हैज बीन रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग ए सोसाइटी। जहां जनरल के अंदर बात आती है सर, हम जब भी अपने प्रोग्राम को कंडक्ट करते थे वहां पर ऑन फेस टू फेस सर, तो हम इंट्रोडक्शन लेते थे, और एक इंट्रोडक्शन होता नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा मेरे को ओझा साहब ने इंट्रोड्यूस किया कृष्ण कुमार चोक, मैं जानता अशोक ओझा साहब हैं या और मैं जो है आप लोगों के पार्टिसिपेंट्स हैं, बट देर इज अनदर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द पार्टिसिपेंट इन स्पेशल मैनर, व्हाट वॉज दैट आई विल शेयर विद यू सर। Incidents from my personal and professional life and lessons emerging therein from me and my choice. Sir, हम सब कुछ रोज चीजें देखते रहते हैं, but the choice हमारी है, हम किसी को adopt करें या किसी को adopt ना करें। Reflection on incidents, this is the most important part, sir. आप सारे parts लगा लीजिए, मैं जो भी दिखा रहा हूँ, जब तक कि आप reflect नहीं करेंगे कि what exactly the outcome of those incidents, what exactly these incidents have taken to. तब तक आप उसका मजा नहीं आएगा सर। आप उसका ये प्रोग्राम जो है तभी है व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट एवर गुड यू हैव डन, व्हाट एवर यू नो शॉर्टकमिंग्स देयर आर इन यू, एंड इनफैक्ट ग्रेट पर्सन इज दोस हु रियलाइजेस शॉर्टकमिंग्स सर एंड ट्राई टू इंप्रूव ऑल दैट सर, एंड दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द डे आल्सो। एक्टिविटी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आई विल जस्ट शेयर विद यू ग्लिम्पसेस ऑफ दोस एक्टिविटीज सर व्हिच आई शेयर्ड विद यू, एंड एज आई रिक्वेस्टेड यू अर्लियर सर, ट्राई योरसेल्फ टू बी इन दैट पोजीशन एंड एंजॉय दैट एक्टिविटी सर, यू विल बी एंजॉय इट सर। Meaning of ethics, Wikipedia, sir.
मीनिंग ऑफ एथिक्स एज रेफर्ड इन फोर्थ रिपोर्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑन एथिक्स इन गवर्नमेंट सर सर विद दिस आई विल स्टार्ट पार्ट वन सर जनरल सर इंट्रोडक्शन विद पार्टिसिपेंट्स नॉट पॉसिबल टुडे बिकॉज अ लार्ज नंबर मोड ऑफ इंटरेक्शन मैं नहीं कह सकता कि आप अपना नाम बताइएगा सर वो मुश्किल होगा स्पेशल इंट्रोडक्शन सर वट वॉज द स्पेशल इंट्रोडक्शन सर मैंने इसमें ये कहा था बट एट द सेम टाइम आई एम जस्ट कीपिंग दैट पहले मैं सोच रहा था कैसे किस तरीके करूं हम ज्यादातर क्या कहते हैं स्पेशल इंट्रोडक्शन के लिए क्या कहते थे सर लोगों को जो कहते हैं मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा आप सोचिएगा मैं चारों हम ये कहते थे आप लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं आप चारों तरफ देखिएगा एंड यू नो ट्राई टू नॉट इक्वेट विद वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू से फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक चेयर पड़ी है सर और मैं कहता हूँ कि मैं आपको अपने चेयर से इक्वेट करता हूँ एंड आई हैव टू गिव रीजन फॉर दैट तो मैं क्या रीजन देता था मैं कहता हूँ कि चेयर इज वन थिंग वेयर आई कैन मेक ए पर्सन कंफर्टेबल बाहर दूर से आया थका हुआ आया अगर मैं चेयर हूं तो मैं उस आदमी को जो है एक इंडिविजुअल को मैं चेयर पे बैठने में जो आनंद आता है और अगर मैं आनंद उसको देख सकता हूँ तो उसको लगता है कि मेरे को जो है जीवन मेरा सफल हो गया सर जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन वट यू वुड लाइक बी यू नो कंपेयरिंग यूर सेल्फ विद वन ऑफ द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग यू सर आई एम पासिंग फॉर 15 seconds सर इमेजिन यूर सेल्फ एंड गिव रीजन सर हमारा अपना एक्सपीरियंस ये रहता सर आई विल स्टार्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा और मैं आपसे शेयर करता हूँ आप लोगों ने सोच भी लिया होगा किसने क्या सोचा किसने क्या सोचा किसने कोई बात सोच रखी अपने किसी बात कोई बात सोच रखी होगी बट मेरा ये गारंटीड है सर आपके साथ साथ में हेलो मुझे ये गारंटी है सर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने एक ऑब्जेक्ट को चुनकर उसकी पॉजिटिव बात ना सोची हो सर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ना सोची हो सर मुझे गारंटी है सर हेलो तो आई होप आई एम ऑडिबल बिकॉज यू नो दैट मेरी ये गारंटी है आपसे सर हेलो यस सर यू आर ऑडिबल और ठीक है तो मैं आपको गारंटी दे आपसे कहता हूँ आपने जिसको भी चीज को देखा जैसे हमारी अभी बिटिया ने एक वो फोन पे किया तो शी वुड से कि मैं माइक्रोफोन करता हूँ कि मैं उसको यूज करके सर से बता सकती हूँ कि आप ठीक बोल रहे हैं मुझे गारंटी है सर देयर विल नॉट बी इवन सिंगल पर्सन हु वुड हैव सेड कि मैं किसी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन लिया होगा मतलब क्या होगा सर इस इंट्रोडक्शन में हमने ये पाया सर एवरीबॉडी वॉज हैविंग ओनली समथिंग पॉजिटिव टू शेयर कंपेयरिंग वन सेल्फ विद एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग दैम सर so that is one thing sir this is but this is one thing this is I situation very good but what happens sir ab main kya dusri baat aapko batane ja raha hu sir meri personal life hai sir thoda sochiye sir aur kya baat hai personal and professional both things sir main aapko result nahi bataunga sir and wo aap apne aap hi sochiye sir iske kya hota sir main chhota sa bachcha tha sir meri umar us time pe 9 saal ke kareeb hogi sir मेरे को जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो नॉर्मली हम अपनी किताबें कॉपियां लेने के लिए जाते हैं सर मैं एक किसी इंडिविजुअल के पास गया दुकान शॉपकीपर के पास गया मैंने शॉपकीपर से कहा कि मुझे कॉपीज दे दीजिएगा सर मैं शायद 3-4 कॉपियां मैंने नोटबुक्स उसे ली तो उसने मेरे को कॉपीज दे दी सर नोटबुक्स दे दी मतलब मैंने देखा कि जो एक दुकान पे है सर दुकान पर रश बहुत है सर उस रश का फायदा उठाते हुए मैंने सोचा उसने कहां देखा होगा मैंने कॉपी ली है कि तो मैंने क्या करा उसके अंदर में उसको बगैर पैसे हुए कॉपियां लेके आया कोई उस टाइम पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता था सर आकर चला आया बट समर मैंने कहा कि मैं इस चीज को जो है अपने पेरेंट्स से बांटूं सर मैंने पैसे नहीं दिए वापस आया सर वापस आके हमारे फादर बैठे हुए थे अपने कॉट के ऊपर मैं उनको लाला जी बुलाया करता था मैंने कहा लाला जी मैंने जो आज क्यों है दुकान से नोटबुक्स खरीदी हैं और नोटबुक्स खरीदने के बाद जो है उस दुकानदार ने रश की वजह से मुझसे मैंने देखा कि रश की वजह से मैं उसको चकमा दे सकता हूं और मैंने बगैर पैसे दिए कॉपियां लेकर आ गया सर आप कहिएगा अंदाजा लगाइए मेरे फादर भी सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट थे अब आप अंदाजा लगाइए बट एट द सेम टाइम ही हैज गॉट ए लार्ज फैमिली सपोर्ट तो सपोर्ट करने के लिए फैमिली सपोर्ट करने के लिए अब आप अंदाजा लगाइए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्या मेरे फादर ने कहा होगा मुझे डांटा होगा या ये कहा होगा कि आप बेटा आगे भी कभी ऐसा मौका मिले तो उसका फायदा उठा के बगैर पैसे दिए आ जाना क्योंकि बेटा मेरे पास तो कुछ पैसे है नहीं तो मैं इसलिए चाहता हूं कि मतलब ऐसी आदतों को बरकरार रखना सो दैट जो इस तंगी के अंदर मैं अपना गुजारा कर सकूं या मुझे
उन्होंने समझाया होगा कि जाओ बेटा जाके देखो। मान लीजिए, पहले ऑप्शन देता हूं कि उन्होंने कहा होगा कि अच्छा मौका लगाते हैं, तो क्या हुआ कि वह जो गवर्नमेंट सर्वेंट, उससे पता क्या लग गया, उनके करेक्टर के पता लग गया कि उसके अंदर वो जो है ग्रीड है, करप्शन है, दैट इज वन मैसेज सर। तो क्या ये गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ऐसा होता तो ठीक होता? या मेरे दूसरे तरफ बोला होगा नहीं बेटा तुमने गलत किया, जाओ और पैसे दे के लाओ। कहने का मेरा मतलब है कि ऑप्शन मेरे फादर के पास थी, मेरे फादर क्या कहा होगा ये मैं अभी नहीं आपसे शेयर कर, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि किस एक आदमी पॉवर्टी में है बट एट द सेम टाइम क्या वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा। अगर वो जो शिक्षा देगा एज ए पब्लिक सर्वेंट, वो अपने ऑफिस में क्या करेगा? दीज आर द थिंग्स ऑन विच यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन। मैं एक स्कूल में पढ़ता था और चांस की बात है कि फर्स्ट लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक सर मैं हमेशा फर्स्ट आया करता था, नॉक अपनी क्लास में, अपने स्कूल में। मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद की स्टोरी मैं आपको नहीं बता बात कर रहा, मैं फर्स्ट टू फिफ्थ बता। अब मास्टर जो है नेचुरली की जो फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट टॉप पे करता है, तो हेडमास्टर को उसके साथ प्यार होना चाहिए, हेडमास्टर को उसके प्रति जेलसी होनी चाहिए। जेलसी होती क्यों होनी चाहिए? क्या ऐसा कोई ओकेजन आएगा जो हेडमास्टर किसी वजह से उसको जो है ह्यूमिलिएट करे? ये सारी चीजें आपको रिपीट कर, है कौन हेडमास्टर? यहाँ पर क्या होगा, पहले केस के अंदर मेरी फैमिली, दूसरे स्कूल में मेरा स्कूल आ गया, लर्निंग मेरे को फादर से मिल सकती है सर, लर्निंग मेरे हेडमास्टर से मिल सकती है। मिलेगी कैसे? उनके बिहेवियर से, उनके कंडक्ट से। क्या उस कंडक्ट के अंदर कैसे होगा? तो मैंने दीज आर द थिंग्स विच आई जस्ट वांट यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा बाद में, थोड़ी देर के बाद में, बट इन द मीन टाइम जब तक मैं बातचीत कर रहा हूँ आप मन में सोचिएगा, अगर मेरे फादर करप्ट हो, अगर मेरे को ये कहते हैं तो वो करप्ट होते, अगर दूसरी बात करते हैं अलग होते होते। सिमिलरली अगर हेडमास्टर मेरे को पैक करता है एट द बैक, मेरा शेप कंडक्ट कैसे शेप होता सोसाइटी की तरफ, फैमिली की तरफ, ये एज ए पब्लिक सर्वेंट इट हैज इट्स ओन थिंग। एक स्टोरी हमसे शेयर करी आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस में, जब हम वहां पर पंचगनी में गए थे, और जब पंचगनी के अंदर गए थे तो वहां पर क्या हुआ था कि हमारे को एक थी कि जिसमें यह बताया गया था, एक आदमी होता है, उसके दो बेटे हैं, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, वो व्यक्ति जो फादर होता है अपने बच्चों को माँ का प्यार भी देता है और सारे काम करता है जो कि एक माँ भी करती है, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनके टिफिन बांधना, उनका जो कुछ कर रहा है सब कुछ करते हैं। बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है उनकी बीवियां आ जाती हैं सर, जब बीवियां आ जाती हैं तो उस टाइम पर उनका जो है लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाता है, दोनों भाई आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता जाता है। फादर बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, फादर समझाते हैं कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इतने फादर के समझाने के ऊपर लड़के क्या करते हैं उसके अंदर में, अब आपस में मिल जाते हैं और उस फादर को कहते हैं इस घर से निकाल देते हैं। घर से निकाल देने के बाद में जब वो सड़क पर आ जाता है तो उसको जो है एक एनजीओ पिकअप करती है, एनजीओ उसको ले जाती है। कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि इस कहानी के अंदर जो उन्होंने कहा कि बेसिकली क्या हालत हो रखी है, ये क्या लर्निंग के लिए है एज ए सिविल सर्वेंट, क्या हमारी सोसाइटी के ऊपर गया, ये जनरल चीज में कैसे आती है, इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उन व्यक्तियों को ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगी तब तक उनका बिहेवियर अलग होगा। जब ऑफिस में जॉब मिल जाएगी एज ए पब्लिक सर्वेंट उनका बिहेवियर क्या आ सकता है, दैट इज समथिंग फॉर टू थिंक अबाउट। एक और इंसिडेंट मेरी लाइफ पर प्लानिंग क्वेश्चन में था, दैट इंसिडेंट इट हैज बिकम ऑलवेज ए वेरी मेमोरेबल इंसिडेंट। एंड मेमोरेबल इंसिडेंट क्या था वो था, आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं सेक्शन ऑफिसर था, मेरे यहाँ पर एक जाट व्यक्ति था जो कि एक ग्रुप डी की पोस्ट को होल्ड करता था, उसके घर पे काफी उसने भैंसे वगैरह रखी थी, पैसा बहुत था उसके पास में। तो मैंने जैसे मेरी पोस्टिंग हुई तो व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि सर मेरे को जो है ना बेसिकली जो ऑफिस से 5:30 का टाइम है, मैं 5 बजे निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने गाँव अपने जो भैंसों को धोना होता है, मतलब मेरे को उस टाइम पर चाना से जाना ही है। मैंने बोला कि चलो कोई बात, बुजुर्ग सा आदमी है ऐसा कह रहा है तो कोई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं अब चले जाना। 5 बजे की जगह वो 4:45 चले गया, 4:45 की जगह 4:30 बजे जाना शुरू हो गया। मेरे मन में बड़ा एक दुविधा सी पड़ने लगी कि ये तो भाई टाइम पर था, अब उम्र का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, मैं 28 साल का था, वो लगभग 50 साल से ऊपर था। तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसे तो कहना बड़ा मुश्किल था कि तुम ये नहीं करोगे। तो हमारे यहाँ पे एक ज्वाइंट एडवाइजर थे, उसके पास चांस की बात है कि एक पोस्ट जो है ग्रुप डी की खाली हो गई, उनको चाहिए था। तो मैंने अपना
सोचा कि यार इसको मेरा तो कुछ कह नहीं सकता था, मैंने उसको वहां पर पोस्ट कर दिया। मैंने कहा वहां पर चले जाइएगा। नेचुरली है कि अब वहां एक ज्वाइंट ब्रदर के साथ जब काम करना पड़ा, उसको 5:30 बजे तो बैठता भी था ना, 5 बजे जाने की बात भी नहीं आती थी, कहानी तो यहाँ पर नहीं उगती, ये सच्चाई है। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ फाइलें, जैसे ज्वाइंट एडवाइजर ने हमको प्लीज स्पीक के लिखा हुआ था, प्लीज स्पीक के लिखा, तो हम फाइलें थी लगभग लगभग 12-13 फाइलें होंगी, मैं 12-13 फाइलों के पास लेकर उसके पास गया। नीचे जाकर जब फाइलें जब लेकर वापस आने लगा तो उसने मेरे को जो कहा कि मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि मैं अंदर से सोच रहा था कि अंदर से वो गालियां निकाल रहा होगा, क्या वास्तविकता मुझे गालियां निकाल रखे। बंदो आप ये देखिएगा, हैरानगी की बात है, इस को मैं अभी आपको पूरा करता हूं बाद में। उसने कहा सर मैं, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप मेरे साहब थे, आपकी फाइलें आपको नहीं ले जाने दूंगा, फाइलें पकड़ाओ मुझे, मैं आपके कमरे तक छोड़ के आऊंगा। ना केवल इतना, उस ग्रुप डायरेक्टर के पास पैसा बहुत था, और मैं उस टाइम पर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का एक सेक्रेटरी था। मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई 35,000 रुपए की, वो सोसाइटी में ही देने थे, सो दैट कि आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स। उस व्यक्ति ने, जो जिस व्यक्ति को मैंने 4:30 बजे की वजह से जाने दिया, मतलब मैंने उसको पोस्ट कर दिया, उस व्यक्ति ने कहा कि साहब आपके लिए हमारी जो है जान भी हाजिर है, क्योंकि आप जैसे मैंने प्रिंसिपल्ड आदमी नहीं देखा जिंदगी के अंदर में। 35,000 रुपये जिसके अंदर उसको ब्याज मिल सकता था बांटने में लोगों को, क्योंकि वो पैसा दिया करता था, लोन भी दिया करता था, उसने कहा जी आपके लिए जो है मैं सोसाइटी में, जिसके अंदर उसको 4 या 5 7% इंटरेस्ट मिलता था। कहने का मतलब है कि बेसिकली कितना एक व्यक्ति का ये चीज है, ये इंसिडेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ है। तो क्या है इसके अंदर में एक लेसन मिलता है। मैं अब पुरानी पहली स्टोरी को कंप्लीट करता हूं, तो जब मैं पहली स्टोरी में आपको बताता हूँ, अब भी आपने सोचा होगा, आपके मन में भी कई विचार आए होंगे। पहली स्टोरी में क्या होता है, जैसे मैंने फादर को बताया कि मैं पैसे छोड़कर आ गया था, पैसे देकर जो है नहीं आया था, मेरे फादर ने बड़े मुझे प्यार से समझाया कि ऐसा कभी काम आगे से मत करना, तुम जाओ और पैसे दे के आओ। मैं वापस दुकान में गया, मैंने पैसे दिए, सरदार जी थे, सरदार जी इतने खुश हुए कि उसने एक कंटेनर से मुझे 2 बिस्कुट थे और बिस्किट थे, उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, आगे अपना बिहेवियर बनाए रखना। माई ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ हेडमास्टर क्या था मुझे नहीं मालूम है, क्या मुझसे उसकी जेलसी थी, क्या गुस्सा था, क्या कुछ था, परंतु उस व्यक्ति ने मेरे को जब सारी जो है, एक्चुअली हमारे सब बहुत लोगों को इनवाइट किया जाता था, उसके अंदर में उसने मेरा नाम जो है फर्स्ट प्राइज के लिए जो मुझे मिलना चाहिए था बोला ही नहीं, पता नहीं किसने किसी तरफ से उसने कहा इसको मिस कर दीजिएगा। आज तक मैं नहीं समझ सका कि उसके हिसाब से उसका मेरे से क्या था, जेलसी थी, एंगर था, हेटरेट थी, क्या था, या मेरी शक्ल खराब थी, मुझे मालूम नहीं है। बट एट द सेम टाइम ऑल दिस इन दिस इंसिडेंट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू हैव इम्पैक्टेड मी। मेरी जगह आप होते, आपको भी इम्पैक्ट जरूर कुछ ना कुछ पड़ता, बट दैट इम्पैक्ट हैज इस मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट। बट एट द सेम टाइम मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट किस सेंस में हो सकते हैं, अगर मैं इस हेडमास्टर की बात लूँ तो मेरे मन में ये आ सकता है जो उसने मेरे साथ किया गलत किया, परंतु तो मैं ये गलत किस दूसरे के ऊपर नहीं करूंगा, तो क्या हो गया, दैट इज वाई से चॉइस इज माइंड, एंड मैन चॉइस इज माइंड। तो ऐसे एक रिफ्लेक्शन अगर हम करेंगे, जैसे मैंने आपसे किया, सम इंसिडेंट्स आर अनफॉरगेटेबल एंड दे रिमेन इन लाइफ फॉर एवर, हमेशा याद रहते, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं कि हमेशा रहते हैं सर। इंसिडेंट योर पर्सनल प्रोफेशनल हैव गेट बेयरिंग ऑन योर कंडक्ट। मैंने आपसे फिर कहा कि चॉइस आपकी अपनी है, चॉइस किसकी है, क्या क्या अपनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, आपको तो मैं भी बदला लेके रहूंगा, या आप कहते हो यार नहीं, मैं अपने कंडक्ट से ऐसा नहीं होने दूंगा कि जिसके हिसाब से मेरे को सफर करना पड़ा। एंड हु कैन बी योर आइडियल डिपेंड्स ऑन एज टू व्हाट यू वांट टू ग्रेस्प। अब उस जब मैं ग्रुप डी एम्प्लाई की बात सोचता हूँ, मुझे आज ये महसूस होता है कि कितना महान व्यक्ति था, कि जितना व्यक्ति भगवान करे, मुझे आज भी नहीं मालूम हो कितनी उम्र का होगा, हो सकता है जीती हो, क्योंकि आप उससे मिले हुए 50 से 1 साल हो गए और मैं खुद ही 67 साल का हो गया हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो सीखूंगा उस व्यक्ति से जिसने मुझे बताया। तो ये एक चीज है, मैं अपने फादर से सीखूंगा जिससे पावर्टी देने के बजाय भी जो है मुझे कहा कि नहीं बेटा बी ऑनेस्ट, और अगर वो कहते बी ऑनेस्ट तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक पर्सनल लाइफ अपनी जो पब्लिक सर्वेंट में अपनी ड्यूटीज कैसे निभाते होंगे। मैं हेडमास्टर की बात करूं तो उससे भी मैंने सीखा किस बात की दुश्मनी किसी के साथ में, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव मी समथिंग। अगर एक व्यक्ति बुरा है तो जरूरी नहीं है कि मैं बुरा बन जाऊं।
this is what exactly you can reflect on those incidents. Everyone has his own ways of doing the thing, but at the same time, I shared with you those incidents because they have got everything to do with the topic which you are taking, ethics and values in the public life. So this is what exactly personally say. This is not general. I will just take you to, I just conducted the activity. मैं पार्टिसिपेंट था, प्रोग्राम था नेट्रेस के अंदर में, इन ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स थे, रीजनल प्रोविडेंट वर्स है। मैंने ग्रुप को तीन बांटों बांट दिया, ग्रुप में काफी पार्टिसिपेंट थे, तीन में बांट दिया। मैंने टास्क दिया हर एक ग्रुप को, परंतु मैंने ग्रुप वालों को जो टास्क दिया तो ये कहा कि आपको जो टास्क दिया हुआ है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगना चाहिए। प्रिपरेशन टाइम दिया, प्रिपरेशन टाइम दिया उनको 10 मिनट का कि आप 10 मिनट तैयार करिए, और उसके बाद ये कहा कि आपने जो भी आपको टास्क दिया है उस टास्क को रिफ्लेक्ट करते हुए आप प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर में, और उनके जो स्टेजिंग के हिसाब से दूसरे व्यक्ति अपना ओपिनियन बताएंगे उनको क्या टास्क दिया गया और रियलिटी आज की क्या है। ये कहा गया जहां पर आप लोग इन जितने ग्रुप में लोग हैं आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे सब लोग करेंगे, बट एट द सेम टाइम एक्ट कोई भी कर सकता है, प्ले कोई भी कर सकता है, ये आपके मर पर निर्भर है। तो ये आप करेंगे, इसमें क्या लेसन होता है वी विल जस्ट डिस्कस, इस लेसन क्या निकलते हैं, व्हाई वी डू, व्हाई वी जस्ट डिड दिस एक्टिविटी। अब आप देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको रिफ्लेक्शन दूंगा, और मैंने जैसे आपसे कहा है कि ये जो एक्ट मैंने इसको कैप्चर कर रखा था, तो आप अपने आप को एंजॉय करिए, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते, क्या महसूस करते। मैं इस वीडियो को जो आपके पास रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ 7 मिनट 58 सेकंड से मैं स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट इट फॉर फ्यू सेकंड्स, आप देखिएगा और अपना ओपिनियन बनाइए। दिस इज 7 मिनट्स, या देर स्टार्ट, यस। सर दिस इज एक्टिविटी वन, यू कैन जस्ट अज्यूम कि इस एक्टिविटी में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस सेकंड एक्टिविटीज व्हिच आई गेव, ये 12 मिनट्स 1 सेकंड्स में आपको ग्लिम्स दिखाता हूं, आप देखिएगा इसके अंदर भी व्हाट वाज दैट। दिस वॉज थर्ड एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी, एंड जो है
जस्ट वन सेकेंड, दिस एक्टिविटी थ्री जो कि 19:20 से स्टार्ट हुआ, इसको भी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। चार आदमी एक जन असिस्टेंट ने अकाउंटेंट वीडियो আর এডো এগুলো উনি ওনার মনমতো করলে হবে, চার জনের লাগবে। সরি সরি দিস আচ্ছা বলিয়ে ये मेरे छोटे भाई की शादी का फॉर्म भरा था मैंने और सब कुछ डॉक्यूमेंट लगा के दिए थे, लेकिन अभी वो मैट्रिक सॉरी। So these are the activities which is given, sir, and this is how this reactions were I shared with you. So different activities, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसी activities हैं, इसका public service पे क्या फर्क पड़ता है, that's what the idea. ये activities बताने के बाद ये बताया था कि क्या behavior क्या है, क्या bad conduct है, क्या real conduct है, क्या चीज है, ये हमने सबको शेयर किया था सर। So that is what actually I just we wanted to share with you, and this is the something people were able to decipher without being communicating to them. They were able to decide कि which activity was which was given to which group. They realized कि क्या behavior office में क्या conduct होता है, कैसे misconduct होता है, क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि ये activity थी bad conduct को reflect करती थी, ये activity जो थी ये आपको good conduct को define करती थी और misconduct को define करती थी या real conduct को define करती थी। So किसी को कुछ नहीं पता था, but your perception was very clear कि किस चीज के अंदर क्या है। This is what actually I thought I will share with you, sir. Sir, अगर मीनिंग ऑफ एथिक्स के ऊपर जाएंगे एज पर विकीपीडिया आएगा तो दे से एथिक्स आर मॉरल फिलोसफी इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटाइजिंग डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। सो इनफैक्ट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग कंडक्ट दैट इज व्हाट लाइक द एथिक्स इज एज पर द विकीपीडिया। बट इफ यू गो टू दिस डेफिनेशन सर, रिफॉर्म जो फोर्थ रिपोर्ट ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है सर, वो कहते थे वर्ड एथिक इज फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रीक टर्म एथिकोस मीनिंग अराइजिंग फ्रॉम हैबिट। इट फर्दर सेज इट इज अनफॉर्चुनेट दैट करप्शन हैज फॉर मैनी बिकम ए मैटर ऑफ हैबिट रेंजिंग फ्रॉम ग्रैंड करप्शन इन्वॉल्विंग पर्सन हाई प्लेसेस टू रिटेल करप्शन टचिंग द एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। इट मीन्स कि अगर कॉमन पीपल के अंदर सफरिंग होगी सर, तो वहां पर क्या होगा, वो एक पब्लिक सर्वेंट्स का रोल क्या रह जाएगा सर। करप्शन की जहां बात आती है सर, आप जैसे जानते हैं अच्छी तरीके से, किसी टाइम पे किसी स्टेज पे एक टाइम था कि जब आपको घर की हाउस असेसमेंट करानी पड़ती थी तो एक इंस्पेक्टर आता था, और इंस्पेक्टर आने के बाद कहता था कि बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी घर की वैल्यूएशन कम लगाऊं और टैक्स आपको कम लगे तो आप मुझे इतना ब्राइब कर दीजिएगा। क्या हुआ सर, यहाँ पर करप्शन की बात आ गई। अब मैं लेसन की बात आ रही है तो सर मैंने सर से आपसे जिक्र किया मेरे फादर ने क्या करा, ही सेड नो नो दिस इज समथिंग यू हैव डन रॉन्ग कैन, और इनफैक्ट देर आर मेनी अदर पर्सन लाइक मस्ट बी देर लाइक माई फादर जिन्होंने करप्शन को इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो छोटे स्टेज पे रहेंगे उन्होंने करप्शन को जो है कम करने की कोशिश की, क्योंकि करप्शन जो है एक कॉमन पीपल को अफेक्ट करती है, कॉमन पीपल के अंदर सिटीजन इन्वॉल्व रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई सेड एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस। क्या एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस यू नो अलाउज दिस करप्शन टू टेक प्लेस? नो, बट एट द सेम टाइम इफ इट बिकम्स ए हैबिट देन इट बिकम्स ए वेरी दिस सीरियस इश्यू सर। यू नो समर आप लोगों ने कुछ गुल्लक करके सीरियल आ रहा था तो गुल्लक के अंदर दिखाते थे कि कैसा एक व्यक्ति जो है बिजली के दफ्तर में काम करता है और बिजली के दफ्तर में उसके फादर कहते हैं यार वहां से अगर मान लो ऐसे लोग जो है अपने टॉयलेट में एसी लगा लेते हैं पापा आप भी क्यों नहीं करप्शन कर लेते हैं। दैट पर्सन वॉज शोन टू बी वेरी थॉर जेंटलमैन अलग है वो, और उसके बाद में खबर आती है ये पकड़ा गया। क्वेश्चन पकड़े जाने की बात नहीं है सर, क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने करप्शन करी करप्शन पकड़ा गया तो उसके बाद नहीं है, करप्शन ये है कि क्या आपको वास्तविकता में आपकी इंटरनल जो है आपका इंटरनल कॉन्सेंस आपको ये अलाउ करती है क्या। सो दिस इज समथिंग
एक्सट्रेक्ट सर, बट इट्स ऑल्सो सेज अगर ये हैबिट ही बन जाती है तो फिर क्या होगा सर, एक हैबिट बन जाती है एवरीबडी स्टार्ट डूइंग, और इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा एक कॉमन पीपल को, सिटीजन को पड़ेगा, और अगर सिटीजन को फर्क पड़ता तो हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, कहाँ पर कुछ गया सर। तो कहने का मतलब बेसिकली दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टच अपॉन दैट सर, दैट इज समथिंग फॉर यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन, कि अगर आपके पास सबॉर्डिनेट्स हैं कुछ गलत काम करते हैं तो कैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने सीनियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको गलत काम करने के लिए कहते हैं। आपके पास बहुत रूल्स हैं, बहुत रेगुलेशन हैं, बट रूल्स एंड रेगुलेशन आर व्हाट समथिंग विच रियली टचेस आपका एक कॉन्शियस क्या कहती है। Sir, this was part one, sir. So far, sir. So this is what actually I want to share with you. This is how this we try to, you know, communicate our, you know, we share this thing. अब naturally कि जगह अगर मैं आपके साथ institution में होता और रहता तो मैं आप, सर आप बताइए कि सर आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसे महसूस हुआ, क्या है क्या नहीं है। अब journey towards self realization, sir. इसको मैंने दो भागों में बांट रखा है सर, nation's pride, sir. दूसरा है ए वीडियो विच आई विल शेयरिंग विद यू, और उसके बाद में मुझे यकीन है सर जिस टाइम पर वो चीज हो रही होगी वो आप देखेंगे, आप सब लोग प्रे कर रहे होंगे सर कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों? आप एक हिंदुस्तानी हैं सर, आप एक इंडियन हैं सर, इंडियन होने के बाद क्या महसूस करते हैं वो आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। फर्स्ट आई विल कम टू द नेशनल प्राइड सर, as I say, have a lack at two next two side and you're feeling less to share through chat box, but we will not, we will just try to sir. Aap ye figures dekh liye sir, PT Usha, Lata Mangeshkar, Amitabh Bachchan sir, our team, Indian team, you know that feeling proud of it, power generation, Agni thing, Taj Mahal, it becomes, you know that something of matter of pride sir. Mera aapse question ye hai sir, आप इस पर्सनालिटीज के बारे में क्या सोचते हैं सर? जब आप अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं सर तो अमिताभ बच्चन के नाम लेकर आप सीना फूल जाता है सर कि यार ये हमारा एक बड़ा ही बड़ा है। कुली पिक्चर के अंदर जब उनको जब चोट लगी था सर, हर लेख जो है मस्जिद मंदिर कहाँ कहाँ है जब प्रेयर होती रही सर, व्हाट वाज इट सर? इसका मतलब ये है कि सर आप एक रत्न है, परंतु तो आप ये बताइए सर व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन शेपिंग अमिताभ बच्चन सर, आपके कोई कंट्रीब्यूशन है शेपिंग अमिताभ बच्चन के अंदर? फिर भी आप महसूस करते हैं कि यार अमिताभ बच्चन जब बड़ा भारी है सर, आप जाकर प्रेयर करते हैं उसके अंदर में सर कि क्या है, आप ये प्रेयर करते हैं कि मेरा बेटा जो है अमिताभ बच्चन जैसे बड़ा बने, क्या है सर? लता मंगेशकर सर, लता मंगेशकर जी नाइट, यू नो कहते हैं कि नाइटिंगल जो हमारी है जब गीत गाती है सुनती है करती है, आप कौन सा व्यक्ति है जो उनके बारे में जो है प्राउड फील नहीं करता? आज हमारी कंट्री के अंदर यह ताजमहल है, लोग आते हैं, हमें इस बात में भी बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम लोगों ने इतना अच्छा क्रिएट कर रखा है, हमारी संस्कृति ऐसी, हमारा सब कुछ है। अग्नि को देख रहे हैं कि एक जो है हमारे यहाँ से जो यंत्र जा रहा है उसके अंदर देख रहे हैं हम, कहते वी आर नाउ री स्पेस, हम जो है DRDO के अंदर में एक जिन व्यक्तियों ने इस अग्नि मिसाइल का अग्नि का जो है करने की करी, तो उस टाइम पर हमें यह लगता है अरे यार कमाल कर दिया यार, तो आप लोगों में से हम लोग में से कितना किसी ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है सर, मैं महसूस कर रहा हूं सर। इसका मतलब क्या ये हो गया, पीटी उषा हो गया, आप मेट्रो रेलवे आइए सर, आज की डेट में ये हालत हो चुकी है अगर मेट्रो रेल के अंदर में 2 मिनट लेट हो जाते हैं सर तो आप ये महसूस, अरे यार मेट्रो ने आज कैसे लेट हो गई सर, बट एट द सेम टाइम इमेजिन सर क्या कभी आपके जो लोग काम कर रहे हैं या आपके साथी काम कर रहे हैं, कभी किसी व्यक्ति को अगर मान लो कोई लेट आ रहा है कितना उसको अंदर से लग चुपता है, क्या वो ये सोचता है कि चारों तरफ जो है ऐसे हो ही तो रहा है मैं भी ऐसा क्यों ना कर लूं, बट एट द सेम टाइम अगर आप इनकी कंट्रीब्यूशन मेट्रो की कंट्रीब्यूशन देखिएगा, जब हम के जो उनका फाउंडर जो है उन्होंने क्या करता है, उन्होंने ये जब कहा था जो टारगेट दे रखे थे उस टारगेट से पहले ही कोशिश करने के अचीव करी सर, हम फील कर रहे हैं उसके अंदर, हम बड़ा गर्व से कर रहे हैं अरे सर श्रीधरन साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो जो बेसिकली ये मेट्रो के अंदर कमाल कर दिया, बट एट द सेम टाइम श्रीधरन साहब को तो आप कंट्रोल किया, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप जिस चीज को प्राइड कर सकते हैं उसको श्रीधरन साहब के सगे आप खुद अपने आप को जो कहेगी यार एक्स वाई जेड किसी भी पोजिशन पे हो, किसी पोजिशन पे हो एक्स वाई जेड महसूस करेगा, हाँ मैं भी जो है ऐसा काम किया था जहां लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे कुछ भी नहीं कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम जो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन अंदर देगा जो अपना काम करने के लिए वो क्या होगा,
रहमान साहब हो गए, सिमिलरली पावर सेक्टर की बात होगी तो हम बिजली चाहते हैं पूरे टाइम पे, हंस जाते हैं, परंतु तो कौन बनाने वाले हैं, कौन क्रिएट करने वाले हैं, ये अच्छी चीज महसूस करेंगे, उसको खुद में अंतरली इंटरनली रियलाइज करेंगे, तो आप कहोगे कि हाँ यस आई ऑल्सो मस्ट चेंज। देर मस्ट बी पर्सन हु मे बी डूइंग एक्सीडिंगली वेल, आई एम नॉट सेइंग दैट बी कि नहीं है, सारे गवर्नमेंट जो लोगों के भी ये कंट्रीब्यूशन है उन्होंने करा ही है, तभी जाकर ये चीजें आई हैं, परंतु आप जिस जगह बैठे हुए हैं, अब आप पिछली स्लाइड पर चले जाएंगे तो फॉर्म के लिए कह रहे हैं इधर जाइए उधर जाइए, फॉर्म ठीक नहीं भरा, क्या किसी व्यक्ति को गाइड नहीं कर सकती आपने फॉर्म भर दिया, क्या किसी व्यक्ति को इतना घुमाएंगे कि कुछ कर दिया, तो दीज आर द थिंग्स यू काइंडली जस्ट हैव टू यू नो रिफ्लेक्ट। एज आई सेड हमारे जो प्रोग्राम के एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक गवर्नेंस, रिफ्लेक्शन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम शेयरिंग विद यू सी समथिंग, मैंने आपसे ये कहा उस टाइम पर, ऑनेस्टली मैंने आपको कहा था आपका आंसर ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं आपको जो वीडियो दिखाना चाह रहा हूं वो आप सबने देखा हुआ है, बहुत लोगों ने वो भी देख रखा होगा, मैच देख रखा होगा, दिस इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 2016 की बात है। Safely taken. Oh, drop to it. Oh, hit. He's got it. Absolutely brilliant. He has another one for the top 10. Chipped up in the air and it's going to be gone. It goes to the man at short 45. Yuvraj Singh just trying to pedal it across the leg side. Bowled him. Swinging in. Straight onto the stumps. Just dragged it, it's going to be taken. Yes, it is. Pandya's the man who takes the catch on the boundary. Now he's got that away as well. Wonderful end to the over for Bangladesh. Oh, well, he's gone. He came down the wicket once again, but there's a different bowler. Stands for six. He's got another one, Jadeja. Right, how well has he hit that? Kevin gets shaken. Ashwin strikes again. Full toss goes to mid on. He's coming around. It's taken into the deep. The man coming in. The catch will be taken. It is. In the air, the fielder's coming in, chicken down, 3 second catch, he's taking it, what a catch in the deep, here we go, last ball, through the outside, it's running through, it could be run out, out, what a comeback from him. Sir, जब हम इतना महसूस करते हैं कि हमारे कंट्रीमैन खेल रहे होते हैं पर हमारा कंट्रोल कोई नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम क्या महसूस, एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस करते हैं सर, तो क्या एज ए पब्लिक सर्वेंट वो सेंस ऑफ प्राइड हम अपने ही एक्टिविटीज से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग फॉर एवरीवन टू रिफ्लेक्ट अपॉन, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आवर प्रोग्राम सेज कि आप इसको रिफ्लेक्ट करिए, आप देखिए क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते कहीं ऐसा, तो मैंने आपको दोबारा आपको बार बार कह रहा हूँ, देयर आर पर्सन्स हु मस्ट बी डूइंग वंडरफुल वर्क, इसी के रिजल्टेड इफेक्ट हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध हो गई हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम जब आप ये कंट्रीब्यूटर बनेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, दिस इज समथिंग, और
जब आप महसूस करते हैं मेरी कंट्री जीतेगा, अभी रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और आप लोग जो भी क्रिकेट के प्रेमी होंगे, कैसा अच्छा महसूस हुआ जब इंडिया ने जो है सीरीज को जीत लिया। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का, एक रिफ्लेक्शन का एक जो है यू नो दिस समथिंग फॉर विच वी हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन सर। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता दो प्लेयर के तो बहुत लोग गालियां निकाल रहे होते यार क्या है, रन आउट कर दिया आपने, आपने क्या हो, इन फाइट्स होती तब बड़ा हो जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट्स का इन फाइट्स रखने का मतलब ही नहीं है। व्हाट वुड हैपन इफ द फीलिंग्स वुड हैव बीन दैट हैव वी हैव गॉट एनफ, लॉ सर्विस डजंट मैटर। तो मतलब कि बेसिकली ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं तो बड़ा समस्या सी होती है। नाउ दिस इज आइडियल कंडीशन, ये रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि अगर मैं अमिताभ बच्चन के ऊपर प्राउड फील करता हूँ, अगर मैं लता मंगेशकर जी के ऊपर करता हूँ, पीटी उषा के ऊपर करता हूँ, अचीवमेंट्स के ऊपर करता हूँ, तो एक्चुअली में व्हाई शुड नॉट आई आल्सो बी कंट्रीब्यूटर ऑन दैट, दैट इज वेरी एग्जैक्टली माय कंडक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड सर, वेरी एग्जैक्टली माय कंडक्ट विल बी अप्रिशिएटेड सर, वी विल नो अबाउट मोर अबाउट इट सर। अब हम जो है पार्ट थ्री पे आ रहे हैं सर। इट इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल गवर्नेंस शेयर्ड विद अस इन यूएससी सेंटर फॉर गवर्नेंस जनरल एंड विद रेफरेंस टू रोल ऑफ पब्लिक in general, learning from nature, seeing images of tree, learning from an image, Swami Vivekananda on ethics, human value is universally recognized, value from what Sardar Vallabhbhai Patel ji said, summing up what alphabets in ethics and values in public order stand for. Now, as far as last one is concerned, this was my own creation, sir. I am not saying as a matter of pride, not boasting about it, sir, but जहां तक होता है मेरा कोशिश रहता है कि कोई चीज मैं करूं और वो करके मैं किसी तरीके से कम्युनिकेट करके जो है मैं किसी को इन्फ्लुएंस करूंगा पॉजिटिव में, मुझे अच्छा है। हम जब आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस से थे सर, तो हमें ये कहा जाता था कि बाहर जाइएगा, बाहर जाकर आप जो है नेचर के साथ देखिएगा कौन सी चीज नेचर ने कैसी चीजें है, और जो नेचर के अंदर चीजें दे रखी है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके देन वी यूज टू कम बैक टू द क्लास एंड शेयर आवर फीलिंग्स। तो हर एक को अपना अपना इमेज बताता था, तो एक इमेज जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सर। ऐसा आप बाहर गए, हमने बाहर जाकर देखे, हमने एक किसी ने पेड़ चुना, मान लो मैंने पेड़ चुना या आपने पेड़ चुना सर, हमें लगा ये सुंदर पेड़ है, मैं इसकी छाया के नीचे भेजा, तो सर छाया के नीचे बैठा हूं, तो फिर वो आपका पहला वाला बात आ जाती है सर, जब मैं आप कहता हूं कि आपकी अपने चीजों के सराउंडिंग में आप देखिए कि आपको अटैच करना चाहते हैं, और जब इस पेड़ को देखें तो आप ये उस टाइम पर भी पॉजिटिव चीजें निकली थी, अभी दोबारा पॉजिटिव चीजें निकली है, इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिविटी तो आपके अंदर भरी है अच्छी तरीके से, बट ओनली थिंग इज मैं अंदर से कभी कभी झांक कर जो अपने अंदर को झांकना भूल जाता हूँ सर। तो वहां ट्री देखा और मैंने वापस आया, वापस आने के बाद जो है मैंने देखा, मेरे को लगा मेरे को ट्री बहुत है, बट क्वेश्चन व्हाई द ट्री इज लुकिंग लाइक दैट। अब उसकी जड़ें देखिए सर, आप जड़ें देख कर आए, बड़ी गहरी जड़ें हैं सर, परंतु ये गहरी जड़ें हो गई या कुछ हो गया तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं सर, आपको यहाँ पर उसको हर एक चीज मिल रही है, खाद मिल रही है, खाद के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हो वो मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी मिलने का हवा मिल रही है, धूप मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, उसके बाद जो आपका ये पेड़ का स्ट्रक्चर है। ये पानी क्या है, ये हवा क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये क्या चीज है सर, वी विल जस्ट क्या इसके अंदर सोच सकते हैं। अगर मान लीजिएगा किसी का ग्रीड आता, इसको काटने की कोशिश करता, तो कहाँ पेड़ रहता सर। कहने का मतलब यह है कि इट इज यू नो अवे फ्रॉम दोस ग्रीड्स एटेस्ट्रा, इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये है ये आपके जो और भी जिन चीजों की मैंने जिक्र किया, व्हाट आर दोस थिंग्स वेयर इफ वी ट्रांसलेट देम इनटू द ह्यूमन स्ट्रक्चर सर, वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट। नंबर वन आपने ये देख लिया सर, पेड़ का बहुत अच्छा है, तो पेड़ बहुत अच्छा है तो इट इज गिविंग यू नो, वो ये आकर नहीं देखता कि उसके नीचे कौन बैठ रहा है, बट एट द सेम इट इज डूइंग इज ड्यूटी। सिमिलरली एज ए पब्लिक सर्वेंट आप अगर ये नहीं तो आपके पास कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, वो फॉर्म की तरफ मत चले जाइए सर जहां पर वो भगा रहा है, आप देखेंगे कि कैसा जिस जीव जगह में रह रहा हूं वो कैसी चीज लग रही है और क्यों लग रही है और क्या मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं होता, तो मेरी आत्मा जब कहती है मैं खुश होता हूँ, व्हाई शुडंट आई डू दिस थिंग सर। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आ गया सर, जब स्ट्रक्चर आया तो आपने देखा ये ग्लोब का स्ट्रक्चर है जिसमें लिखा है कि आप बगैर छोड़े छाड़े अगर आप जो है नेचर की एक्टिविटीज को देखेंगे, जो नेचर को देखेंगे, तो इस ग्लोब इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस सर, इट इज जस्ट ए थ्राइविंग पीसफुली सोशली जस्ट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लाइफ फॉर ऑल ऑन अर्थ। व्हेन आई से ऑल ऑन अर्थ सर, इट ऑल अर्थ का मतलब है उसमें ट्री
होते हैं सर, उसमें जो एनिमल शामिल होते हैं, उसमें वल्चर्स भी शामिल होते हैं, उसके अंदर जो रैट्स भी शामिल होते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल होते हैं। बट अगर इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि नेचर के एक जो है एलिमेंट्स को रहना देना है हमने, तो उसके अंदर क्या आगा, जहां पर भी अगर थ्राइविंग है, पीसफुल है, सोशली दिस है, तो आप क्या देखेंगे सर कि वहां पर जो है एक आदमी जो है अकाउंटेबिलिटी है सर, ट्रांसपेरेंसी है सर। अगर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा देखें तो सब कुछ है, रिस्पॉन्सिवनेस है सर, मतलब कोई आदमी पानी डालता है, कोई कुछ डालता है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव है सर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है सर, हम यहाँ पर रूल ऑफ लॉ भी फॉलो कर रहे हैं सर, पार्टिसिपेटरी भी कर रहे हैं, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड है। अगर ये सारी चीजें होंगी सर, तभी जाकर इट विल बी ए थ्राइविंग पीसफुली सोशली जस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लाइफ फॉर ऑल ऑन अर्थ। यूएन बॉडी बनी है, वो कहते हैं कि आप ऐसे करिएगा, आप उसके अंदर जो है हम, क्योंकि बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि एवरीबडी शुड लिव पीसफुली, और हर एक किसी का जो है एक बिल्कुल जो है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड जो है वो चाहिए, वी विश कि इक्विटेबल इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस सर। ये पॉसिबल क्या है सर, पहली ये बात है कि इंटीग्रेशन एंड केयर फॉर वन सेल्फ, मेरे को केयर करना पड़ेगा अपने आप ही, देन आई हैव इंटीग्रेट एंड केयर फॉर विद ऑल फॉर अस सर, गुड गवर्नेंस होगी तभी पॉसिबल है, एंड मैंने इंटीग्रेट एंड केयर फॉर एनवायरमेंट आल्सो सर, तभी जाकर मेरे को ग्लोब जो होगा सब कुछ होगा इनको फॉलो करते बड़ी अच्छा मिलेगा, जहां पर ठंडी हवा आएगी। आपने बीच में देखा कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन कभी कभी गाड़ियों को ऑड इवन पे ले जाना, क्यों ले जाने लगा, क्योंकि लोगों के अंदर खुद नहीं आया तो एक लॉ ने कर दिया, पर अगर खुद आ जाएगी तो लॉ की बात भी नहीं आ जाएगी। अगर इंटीग्रेशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन में सेल्फ से कैसे करूं, कहां से करूं, तो मेरे को यूनिवर्सल वैल्यूज को जो है हमेशा करना पड़ेगा, और यूनिवर्सल वैल्यूज जो है वो कहते हैं आपको इनर गवर्नेंस को कंट्रोल करिए सर, तो दैट इज ए इंटीग्रेशन विद वन सेल्फ। और इंटीग्रेशन विद वन सेल्फ क्या है कि प्योरिटी होनी चाहिए सर, ऑनेस्टी होनी चाहिए, अनसेल्फिशनेस होनी चाहिए, लव इज हैज टू बी टोटली प्योर। तो वहां पर क्या है कि ये नहीं सोचे कि मेरे को मिल रहा है तो इसलिए है, या मेरे किसी को मिल रहा है तब तो क्या है, आई विल ओनली लव माई कंट्री, आई विल लव माई कंट्री फॉर करप्शन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। एंड अवेयरनेस जब जो हो जाएगी इनके अंदर, मेरे को इनर गवर्नेंस के अंदर में कंट्रोल करके, जब मैं ऑनेस्टली काम करूंगा, जब मेरे फादर कहेंगे कि नहीं बेटा जाकर तुम जो है ऐसे गलत काम ना करो, मेरे कंडक्ट को कंट्रोल करेंगे, एंड थिंग्स विल बिकम प्योर, मेरी प्योरिटी आएगी, मेरे अनसेल्फिशनेस आ जाएगी, मेरा लव आ जाएगा, ये देखकर कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है सर, उसको देखकर काम करने की जगह भाव है। अगर इसी ग्रुप को, इसी फिगर को, इसी चीज को मैं अगर सर्विस के अंदर करूं, तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि सर यहाँ पर इट इज ए ब्यूटिफुल पर्सन फॉर ऑल टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉट ओनली देयर ओन सेल्फ सर, बट फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी सर। तो अगर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो अकाउंटेबल होंगे सर। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ सर, और ये बहुत अभी आज से को 2-3 महीने पहले का एग्जांपल है सर। मेरे जो है वाट मीटर के चेक करने के लिए, मीटर को रीडिंग करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड से एक सज्जन है, उन्होंने मीटर रीडिंग ली और मीटर रीडिंग लेके चले गए। मीटर रीडिंग ले जाने के बाद अब बिल आ गया। अब बिल आने के बाद मैंने देखा ये बिल तो है गलत है, तो मैंने उनको क्या करा कि उस बिल को जो है इमिजिएटली मैंने एक PGMS क्या है सर, PGMS जो ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म के अंदर, उसको मैंने डाला, मैंने डाल दिया कि मेरे जो है बिल की रीडिंग जो है ये थी, बट एट द सेम टाइम मेरा जो अकाउंट जो मेरे को बिलिंग करी है वो गलत है। आप कैन यू इमेजिन विद इन अ डे द आंसर केम टू मी कि आप घर से दोबारा अपना मीटर रीडिंग भेजिएगा, उसका इमेज जो है हमारे ऊपर अपलोड कर दीजिएगा, और विद इन अ डे सर एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड आउट और मेरे जो करेक्शन कर दिए गए। कंपेयर करेंगे इसके अंदर में, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हु डोंट लिसन टू देम व्हेन यू इवन यू नो गो ऑन राइटिंग देम फॉर इयर्स टुगेदर। ये सर अवेयरनेस है सर, कौन कर रहा है। आपको हो सकता है कि आप जैसे कि आपके ऑफिस में ऑफिसर्स हो, वो कहते ऐसे काम करना सो करना है, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि एक ऑफिस के अंदर जो है माहौल दिखाया गया कि कितना गंदा माहौल है। तो ये चीजें जो है बेसिकली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एथिक्स जो है आपका एंड वैल्यूज जो है आपके है ना, व्हाट आर दिस सर, यूनिवर्सल वैल्यूज। इन यूनिवर्सल वैल्यूज अगर इनर गवर्नेंस के अंदर हम सब कुछ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब मेरे को ये नहीं देखना क्या है, मेरे घर पे काम करने वाली आती है, काम करने वाली थी, मेरी वाइफ को जो है एक सोने की चीज गुम गई, नहीं आ रही थी नजर, तो उस काम वाली को नजर आ गई। उसके पास दो ऑप्शंस थी, ऑप्शंस ये थी, एक उसको चोरी करके ले जाती, किसी को पता नहीं लगता, दूसरा उसमें वापस कर देती। व्हाट शी डिड द लेटर पार्ट, तो आप अंदाजा लगाइएगा, इट इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ पर्सन हु आर एट द लोअर लेवल और एट द हायर लेवल, देयर आर हायर लेवल ऑफिसर्स आल्सो जो कि जो अपने एग्जांपल्स हैं बहुत अच्छा करते हैं,
एंड देयर लोअर लेवल पर्सन ऑल्सो, जो मैंने आपसे शेयर किए वो भी करते हैं, बट दिस इज वॉट एग्जैक्टली आवर प्रोग्राम वॉज. दिस इज एनीथिंग दैट मेक्स अस होल इज एथिकल, एनीथिंग दैट फ्रेगमेंट्स अस इज अनएथिकल. इस कॉन्टेक्स्ट में सर आपको मैं एक छोटी सी बात बताएंगे सर, मैंने आपसे पहले ही शेयर कर लिया है सर कि क्या चीज है यूनिवर्स, कैसे अच्छा चलता है सर. मेंटर्स क्या क्या हो गया कि जहां पर हमारे बांटना शुरू कर दीजिए, जहां हमको यूनाइट करता है, दैट इज द बेस्ट थिंग. वी विल जस्ट गो टुगेदर फर्दर सर. ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज है सर जो मैंने आपसे बात की, दैट स्पैन अक्रॉस कल्चर्स नेशनलिटी एंड क्लासेस. एक आदमी हो कभी भी नहीं हो सकता है सर, 10 बार झूठ बोलेंगे तो सच बन जाएगा, सत्य तो सत्य रहेगा, अगर व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा. डिजायरेबल क्वालिटी इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बींग, ब्रॉट आउट नॉट पोर्ड इन. सर व्हाट इज इट मीन, कोई भी क्वालिटीज जो है हमको जो है संसार से मिलती हैं, हम ब्रॉट आउट करते हैं उसको, निकालते हैं, डाल नहीं सकता. हमारे यहाँ पर एक जो मैं लास्ट स्लाइड होगा हमारा, हमारे यहाँ बड़ा फेमस सेइंग है सर, एथिक्स इज टॉट कॉट नॉट टॉट. Inclusive, they bring us together. Even we have differences, sir. That is what exactly the human values are. या अगर मान लो मेरे सामने कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति है, हम religious की बात कभी हम चाहेंगे, but at the same time, I respect him as a human being. That is more important. मेरे सामने एक poor आदमी है, अगर मैं उसकी इज्जत उसी हिसाब से करता as a human being, then it is something very great, sir. So यहाँ पर एक चीजें आती हैं, sir. University values are absolutes beyond the dimensional time and space. That stand alone, self-validated in their immutability, they flow out of the highest of our own self. और हमारा highest of our own self क्या है? हमारी inner governance है, जहाँ पर हमारे पास जो है values को हम value करते हैं. Ethics is when we reflect this inner excellence in our attitude, decision, action. The play of values in the world is ethics. मेरा मतलब basically ये values जो है, now here exactly ethic and values have become important. General नहीं है, but the general क्या चीजें हैं? They are specific also. यही वैल्यूज अगर हम काम के अंदर लेके चले जाएंगे, दैट विल बी डूइंग वंडरफुल थिंग्स. कॉन्सेप्चुअल एम्फेसिस सर, आई से कि दिस इज वन थिंग व्हिच वाज गिवन टू अस बाय यू नो इन आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस सर, पंचगनी सर. बट सर मैं एक पढ़ रहा था स्पीच जब इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उन्होंने 1947 में किसको दी थी, ही गेव इट टू दी आईएएस ऑफिसर्स जो रिक्रूट वाले थे उनको दी थी 21st अप्रैल 1947 टू द फर्स्ट बैच ऑफ ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ही सेड यू आर द पायनियर्स इन द इंडियन सर्विस एंड द फ्यूचर ऑफ दिस सर्विस डिपेंड मच अपॉन द फाउंडेशन एंड ट्रेडिशंस दैट विल बी लेड डाउन बाय यू बाय योर करेक्टर सर. व्हाट डज द करेक्टर मीन्स, करेक्टर मीन्स द इंटरनलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू सर. वही तो आएगा सर, अगर करेक्टर अगर स्पिरिट ऑफ सर्विस आएगी तो इंटरनलाइजेशन वैल्यू से तो आएगी सर. Abilities जो automatically gets reflected when the character and spirit of service is there, sir. ये एक realization है sir. ये आप देखेंगे तो आपको ये जो है महसूस होगा कि अगर public servant हैं, हमने अपना कहाँ character exhibit किया, कहाँ हमने spirit of service दिखाई, कहाँ abilities दिखाई, वहाँ पर जो है आपका depend कर देता है sir. I will give you an example here, sir. I am not a very big man, sir. And many persons like me might have done the same thing, sir. बट एट द सेम टाइम वैल्यूज का फर्क पड़ जाता है सर. क्या है सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में था सर, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर में मैं जब काम कर रहा था सर, तो हमारे ब्रह्मा साहब जो बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन जो बने वो सेक्रेटरी थे सर. और सेक्रेटरी बनने के बाद मेरे को क्या हुआ था, चांस की बात है कि आई वॉज यू नो डेप्यूटी टू जर्मनी फॉर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, 14 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम सर. बट बिफोर आई वॉज नॉमिनेटेड सर, उस टाइम उससे पहले जो था एक बिफोर आई वाज नॉमिनेटेड, उस टाइम पे ऐसे कुछ, आफ्टर आई वाज नॉमिनेटेड सर, हुआ ऐसे कि पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइज करने सोच लिया, का पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे. जैसे पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के बारे में बात आई, तो मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वो चले गए थे उनकी बेटी के साथ, उनको जाना था यूएसए में. तो आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज वर्किंग इन द मिनिस्ट्री एज डिप्टी सेक्रेटरी, मतलब कि बिटवीन मी एंड सेक्रेटरी जो लिंक था बिटवीन ज्वाइंट सेक्रेटरी का मिसिंग था. बट एट द सेम टाइम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर देर वॉज ए सिस्टम ऑफ लिंक ऑफिसर सर. तो लिंक ऑफिसर में मेरी एक ऑफिसर थी रीता आचार्य, वो मेरी ऑफिसर थी जो लिंक ऑफिसर थी. मैंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने हमसे ये कहा कि देखो कोई बात नहीं, मेरा लिंक ऑफिसर जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो देखेंगे, तुम भी जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्रूव हो गया है, तो इसलिए तुम भी चले जाओ और रीता आचार्य जी मैडम को समझा देना कि क्या क्या काम हो रखा और क्या काम करना है. बट आई थॉट इट एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब वैल्यूज की बात आती है, ब्रैग नहीं कर रहा, बोस्ट नहीं कर रहा, फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, आप किस हिसाब से लेंगे आपको डिपेंड करता है सर.
मैंने ये सोचा कि सेक्रेटरी साहब को बता दूं कि सर मेरा जो है अब जाने, क्योंकि वीजा लग चुका था और टिकट भी आ चुकी थी, बट मैंने कहा सेक्रेटरी साहब को बता दूं कि सर इतना प्रोग्राम प्रोग्रेस हो चुकी है, ये काम करना है और आज के दिन के बाद में रीता आचार्य मैडम जो है मेरा काम देखेंगी। मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, उसमें सारे हमारे हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पावर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल एनटीपीसी, सब लोग आए हुए थे। जब सब लोग आए हुए थे तो मैं जब बताकर हट रहा था तो मैंने कहा सर इतना इतना काम हो गया, इतना काम रह रहा है और रीता आचार्य मैडम मेरे साथ बैठी है, कल से ये काम देखेंगी। ब्रह्मा साहब एकदम बोले, अरे क्या कह रहे तुम? मैंने कहा सर क्या कहते, नहीं यू विल नॉट गो, आई विल सेंड यू टू द मून, बट एट द सेम टाइम ओनली आफ्टर द पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस यू इन्फॉर्म द स्पॉन्सर, हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाज द स्पॉन्सर, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सेक्रेटरी हैज सेड दैट चुग विल नॉट गो फॉर दिस फॉरेन ट्रिप। यकीन करिए मैं घर पर आकर बताया तो मेरे घर वाले बहुत महसूस थे। आपको मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, सच्ची बात बताऊँ सर, मेरे मन में एक पैसे का भी रिग्रेट नहीं था, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं था और मैं बहुत खुश था कि मेरे को सेक्रेटरी ने इतना काबिल समझा। सर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी सर विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन गेट सर। मैंने पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करी, आई वॉज पैटेड ऑन माई बैक बाई द सेक्रेटरी सर एंड मिनिस्टर इवन, एंड बट वट हैपन सर, इंटरेस्टिंगली सर, बड़ी इंटरेस्टिंगली मेरे को जो है 15 दिन 20 दिन के बाद में आई वॉज सेंट टू जर्मनी एज ए नेक्स्ट बैच, एज ए पार्टिसिपेंट इन नेक्स्ट बैच। वट एग्जैक्टली आई सी सर, समटाइम वी डू सर्टन थिंग्स, हम जो है इस वजह से नहीं करते, हमें कुछ मिलना है, क्या करना है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, बट दिस इज वॉट एग्जैक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाज। एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को सर, इसको मैंने जो है बेसिकली अपने ही ढंग से, ये मैंने अल्फाबेट्स को और मैंने बढ़ाया सर, बढ़ाया है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ सर, जस्ट वन सेकेंड सर, इट्स ओपनिंग सर। एथिक्स क्या है सर? एसेंशियल ट्रेड्स highly important for building civil society sir, values very authentic list of universally evolved standards sir, public servant purity is the basis for living in comfort so enjoy rewards with virtuous and nice techniques, public service purity is basis for living in comfort so enjoy rewards without vice, public governance purity is basis for living in comfort, get over not acceptable negative characteristics without excuse sir. So this is what exactly is the This is what I did sum up, sir. Now, strengthening of realization, sir. Strengthening of realization के लिए मैंने आपसे significance of colors in national flag, sir. Spirits raised by our national anthem, sir. If you see the national flag, sir, और मैं इसके बारे में क्या कहूँ, I will sharing with you what Sarvepalli Radhakrishnan ji said about the national flag, sir. He said the philosopher Sarvepalli Radhakrishnan, who later became friends India's first vice president and second president. Clarified the adopted flag and described its significance as follows, sir. Bhagwa or saffron denotes renunciation or disinterestedness. Our lists must be indifferent to material gains and decides dedicate themselves to their work. The white in light the path of truth to guide our conduct. The green relation to soil, our relation to the plant life here on which all other life depends, sir. Sir, imagine, sir. जो मैंने आपको ग्लोब दिखाया था, जो मैंने आपको बताया था एथिक्स एंड गवर्नेंस का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिखाया था, इज द ग्रीन शोज आवर रिलेशन टू द सॉइल, आवर रिलेशन टू द प्लांट लाइफ हियर ऑन व्हिच ऑल अदर लाइफ डिपेंड्स, मतलब कि ही सेड दैट शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड, द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट इज द व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्म, ट्रुथ आर सत्य धर्म आर वर्चू ऑट टू बी द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ दोज हु वर्क अंडर दिस फ्लैग, अगेन द व्हील डिनोट्स मोशन, देयर इज डेथ एंड स्टैग्नेशन, There is life in movement. India should no more resist change. It must move and go forward. The wheel represents the dynamism of a peaceful change. You know, sir, ethics and values in public governance program was shared with us when we were in Panchagani, sir. I shared with you what Sardar Vallabhbhai Patel said, sir. I shared with you what Dr. Sarvepalli Radhakrishnan said, sir. And we all know that, sir. So this, whatever Indian flag symbolizes, sir, and we feel very proud to be independent, and whatever positive development takes place, sir, that happens because of the commitment of the public servant, sir, and whatever negative, whatever remains to be done, sir, that is possible also if we just awaken our inner self, sir, kahin humse galti to nahi ho rahi jiski wajah se mera desh piche ja raha hai, sir, to ya maine kisi ka man to nahi dukhaya, sir. So this is what exactly I just wanted to
सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर में एक स्टेप पर था। सर आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू स्टैंड वेयर देयर आर एंड लेट अस जस्ट यू नो इन एज अ मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन लेट अस जस्ट यू नो एंजॉय दिस यू नो रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम एंड जब नेशनल फ्लैग को नेशनल सॉन्ग को सुनते हैं और मैंने कई इंस्टीट्यूशंस में गया तो वहां पर एक आदत सी बना रखी है दे विल स्टार्ट देयर वर्क विद द नेशनल सॉन्ग सर सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जो मैंने आपसे जिक्र किया था दिस वाज स्ट्रेंथनिंग ऑफ रियलाइजेशन सर कि मैं अगर पब्लिक सर्वेंट हूँ तो पब्लिक सर्वेंट होने देते मेरा क्या भगवा का मतलब क्या था वाइट का मतलब क्या था चक्र का मतलब क्या था मैंने इसके ऊपर करना है सर माँ चक्र की मतलब देख लीजिएगा सर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाएं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है आज के ऑनलाइन आपको जो है फिलअप होती है रिटर्न्स तो क्या होता है ये चेंज लाया बहुत अच्छा चेंज लाया तो यहाँ पर आता है इनफैक्ट दिस इज सो फार एज यू नो दैट दिस द थिंग्स आर कंसर्न यहाँ पर रियलाइजेशन की बात आती है सर हम आप जो गेम्स के थ्रू हमने करते हैं सर जो गेम्स के अंदर कुछ भी नहीं है सर गेम्स के अंदर हम उस चीज को बताते हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं होता कि कहीं पर हम लोग कुछ गलत कर रहे हो या हमसे गलती हो रखी है या कुछ हो रखा है तो ऐसे मैंने पहले भी आपसे उदाहरण देख के प्रोफेशनल लाइफ के भी उदाहरण दिए पर्सनल लाइफ के भी दिए सर अभी मैं इन उदाहरणों को और ज्यादा ले जाऊंगा परंतु एट द सेम टाइम आई विल आल्सो जस्ट ट्राई टू सी व्हाट आई वुड हैव डन विद यू हैड आई बीन विद यू इन द लाइव सेशन सर बाल गेम सर एक रूल्स है सर हमने रूल्स बताए लोगों को बच्चों को सभी को क्या रीजन क्या है एक रियलाइजेशन सर मैं अब दोबारा रिपीट करूंगा सर देयर आर पर्सन्स हु आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड वर्क सर वंडरफुल वर्क सर बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हो जाती हैं क्या हम गलतियों को सुधार के और हम क्योंकि देयर इज समथिंग लाइक बेटर देन द बेस्ट सर हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड किया ग्रुप में एक ग्रुप से 5 पार्टिसिपेंट निकाले और एक प्रोसेस क्रिएट किया कि आप जो है एक दो को बाल देंगे और बाल देते थे आप रिसीव करेंगे हर एक पार्टिसिपेंट बाल को रिसीव करना है बॉल कैन नॉट पास टू द बॉल कैन यू कैन नॉट पास द बॉल टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू सर द बॉल मस्ट रिटर्न द पर्सन स्टार्टेड विद द बॉल मस्ट ट्रेवल थ्रू एयर द बॉल कैन नॉट बी रोल्ड अक्रॉस सर्विस एग्जांपल फ्लोर वर्ल्ड टेबल्स एंड चेयर्स डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिया सर जब डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम आपको ये बताएंगे आपको चल दे तो आपको दिखाता हूँ सर ये था 26:57 सर आई विल दिस वाज द
चुप सर सर सुन रहा हूँ सर। हाँ ये बहुत मजा आ रहा है और जी लगातार जो है वो आप बोल रहे हैं थके होंगे एंड नहीं नहीं कोई नहीं आई वन नो दैट कीप्स सर मेरे को वन कीप्स टू कैच द ब्रेथ। तो हम ये अपना वेबएक्स जो है इसको बंद नहीं करेंगे, वेबएक्स जो है वो हाँ हाँ खुला रहेगा बट नहीं बिल्कुल ठीक है सर। इसको इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर दें सर, उसके बाद जो है वी क्लोज इट सर। उसके ठीक है ठीक उसके 15 उसके इस एक्टिविटी को पूरा कर दें सर, उसके 15 मिनट के बाद, उसके बाद 4 मिनट के बाद जो है हम दोबारा 15 मिनट का गैप देकर दोबारा मिलेंगे सर। ठीक है सर। ठीक है ठीक ठीक ये बाल गेम रूल क्या था, रूल्स बदल दिए हमने का बेसिक रूल्स से सेम, बट नाउ द ग्रुप इज टू क्रिएट ए प्रोडक्ट। One product is equal to 8 rounds of passing the ball in the correct sequence. If you drop the ball, you start again. For creating a product, group taking maximum time is the winner, sir. And in fact, we just show this is the glimpse of what exactly I am sharing with you, sir. Just a minute, sir. सर दिस वॉज वेरी एग्जैक्टली क्या होता है इस प्रोसेस में, जब हमने कहा कि आपको 8 प्रोडक्ट्स 8 राउंड्स का एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, दे केम क्लोजर सर। सो व्हाट डज इट मीन सर, जब आए तो उन सब के मन के अंदर में एक बात आई कि एक जो है क्रिएटिविटी की बात आई सर, कि क्रिएटिव कैसे करें सर, क्योंकि बेसिकली इफ दे हैव टू क्रिएट यू नो प्रोडक्ट बाय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अभी माइक आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। गलती से हो गया, मैंने कहा हाँ रेस्ट नहीं ठीक है ठीक है सर ठीक हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, जस्ट 1 सेकंड सर। वहां पर जो मैं आपको बॉल के बारे में जिक्र कर रहा था, तो वहां पर जिक्र क्या हुआ कि जैसे मैं एमआरटीपी क्वेश्चन के बारे में जिक्र आपसे कर रहा था, तो मेरे जो लूथरा साहब थे उन्होंने एक यूडीसी को बुला लिया और कहा कि ये आपने कंप्लेंट को प्रोसेस नहीं किया। यूडीसी सेट की जैसे ही मुझे पता यूडीसी को बुलाया, तो मैं यूडीसी को नहीं भेजा, मैं खुद गया। मैंने बोला कि सर मैं सेक्शन अफसर हूं जहां मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया है एंड इनफेक्ट मैं इस सेक्शन का जिम्मेदार हूं, और अगर कोई आपको बात कहनी है तो आप मेरे यूडीसी को मत बुलाइएगा, आप मुझे बुलाइएगा सर। ऐसे ही लूथरा साहब ने ये बात सुनी तो एक्चुअली में उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बकास उन्होंने रादर इसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है आप इतना बात कहते हैं। उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला आई रियली अप्रिशिएट दिस पर्सन। माय शॉर्ट पॉइंट इज कि अकाउंटेबिलिटी को अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट ए रिवर्स थिंग हैपन इन चंडीगढ़। हो सकता है कि मैं उस चंडीगढ़ में एक स्टेनोग्राफर उसने ज्वाइन ही किया था चंडीगढ़ के अंदर में, उसके डिप्टी डायरेक्टर को एक काम कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने काम कहा तो उसने कहा अच्छा, और कहा कि 5 बजे के टाइम दिया उसको, 5 बजे तक आपको करना है। समहाउ द अदर ही वाज नॉट एबल टू डू द वर्क बाय 5 o'clock। अब वहां पर जब गया अपने जो दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाया तो उसने क्या हुआ, उसने सीधा जो है आप कहा कि सर जो स्टेनोग्राफर जिसको मैंने डिक्टेशन दी थी वो उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर सका।
लूथरा साहब जो है बेसिक सॉरी दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज कि किस वजह से हुआ इज अ स्टेनोग्राफर नॉट एबल टू ट्रांसक्राइब इट तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमीडिएटली सस्पेंडेड द स्टेनोग्राफर। अब इमेजिन करिएगा अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल आता है दैट पर्सन शुड हैव टोल्ड द फैक्चुअल पोजीशन टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड ही वुड हैव अप्रिशिएटेड दिस थिंग बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ हिज यू नो कम्युनिकेशन समथिंग व्हिच वाज यू नो दैट सम ऑफ द हार्मफुल टू द स्टेनोग्राफर वो बात कह गया जस्ट टू एस्केप द अकाउंटेबिलिटी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है देन सम अदर पर्सन हु आर नॉट टू द स्टेनोग्राफर दे वेंट टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेड कि सर वो स्टेनोग्राफर नया नया आया है उसको जो है आप जो है ऐसे सस्पेंड करना ठीक नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैड रियलाइजेशन ही यू नो रिवोक द सस्पेंशन इन 2-3 डेज टाइम बट इमेजिन कि कभी कभी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाने के लिए कैसे गलतियां कर जाता है विदाउट गोइंग इन टू द ग्राउंड रियलिटीज दे ट्राई टू यू नो पनिश सम पर्सन। ऑन द अदर हैंड डिप्टी डायरेक्टर शुड हैव डन समथिंग विच बाई विच ही कुड हैव प्रोटेक्टेड द पर्सन तो दैट वुड हैव बीन वेरी पॉजिटिविटी शो करने की बात है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स आई कैन शेयर विद यू बट एट द सेम टाइम एज इज ओजा साहब ने बोला कि कुछ टाइम के लिए जो है हम इसको थोड़ा सा रोकेंगे एंड इनफैक्ट वी विल अगेन ज्वाइन टुगेदर आफ्टर 15 मिनट सर इट इज 3:32 3:45 3:50 वी विल ज्वाइन सर। ठीक है सर जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है सर ओके हाँ 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 जी ओके सर आई टेक अ ब्रेक सर एंड यू नो द ब्रेक इज फॉर हम लोग दोबारा 3:45 पे मिलेंगे। ठीक है सर ठीक है विल प्रोसीड फॉर दिस 3:45 वी मीट अगेन। ठीक थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच। Person team which have been given to them that is again goes to the credit of the leader who was leading the team sir. So aapke yahan par bhi kai aise examples honge sir टाइम मैनेजमेंट था सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये सारी चीजें आपकी बॉल गेम से आई सर। तो अकाउंटेबिलिटी बन गई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ली सब कुछ हो गया पर तो सर हम लोगों के ह्यूमन बींग्स हैं कहीं ना कहीं तो कोई कमियां हैं जिसकी वजह से जो है कभी कभी हम ऐसे प्रोग्राम्स की बात करें और ऐसे प्रोग्राम्स तो हिंदुस्तान में नहीं हो रहे सर ये सारे वर्ल्ड अक्रॉस हो रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं हमारी यूएन बॉडी चाहती है कि ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाए जो पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर में जो सब बहुत अच्छे हैं उनके अंदर कोई चीज जो छुप रही है उसको बाहर लाया जाए और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स एंड वैल्यूज का प्रोग्राम बनाया था ये बनाया हुआ है सर। देन क्वेश्चन आइज़ सर अकाउंटेबिलिटी की बात आ गई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर कोई इवेज करता है तो क्या है इज इट गुड फॉर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिए मेरा पर्पस ऑफ लाइफ का क्या है डिफिकल्ट टू आंसर तो लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन स्लाइड इनफैक्ट दिस इज कॉन्कॉक्टेड ये आपने इमेजिन कर रखा है सर। तो वहां पर क्या हो गया बेसिकली हमारा अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और in fact I have just tried to modify it and that modified version I am saying with you sir. Now imagine sir, God comes to you and asks you sir, I have an offer for you. I want to gift a jeep. What would happen sir? आप अंदाजा लगाइए एक सेकेंड 30 सेकेंड सोचिए उसको आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं चिंता करने की जरूरत कहीं से आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू जीप आप क्या इमेजिन करने लग जाएंगे मैं गलत हो सकता हूं बट एट द सेम टाइम इमेजिन क्या करने लग जाएंगे आप इमेजिन करने लगे यार ये जीप होगी तो बहुत बढ़िया होगी सर ये जीप भगवान से मांग लेता हूँ दे दे भगवान मुझे इससे बढ़कर क्या बात होती है सर। दूसरी बात क्या होगा तेरा नहीं नहीं यार कोई कहेगा नो मैंने जीप का साइन देखा वो अपनी अच्छी नीति ये जीप होनी चाहिए सर। गॉड से कहते भगवान ये जीप दे क्या भगवान परेशान भगवान कहता भैया देख मैंने ये जीप के लिए नहीं कहा था मैंने जो जीप तेरे को कहा था वो जीप का मतलब समझ भैया जे का मतलब जॉय का मतलब एनर्जी इन सिंगल ई का मतलब एंथुसियाज्म और आखिर का जो मतलब है पी का मतलब पीस। तो कहता मैंने ये भगवान से कहा था भैया देख चिंता मत कर तेरे पास जो कुछ है वो तेरा है मैं दूंगा मतलब एट द सेम टाइम मैं ये तेरे को जीप देने आया था तूने उस जीप के बगे तूने जीप मांग ली क्या हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ये है। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यकीन करिएगा सर अगर जॉय मिलती है सर मेरे घर के सामने एक इंजीजर रहता है ही रिटायर्ड एज ए कंपाउंडर सर बट आई ऑलवेज फाइंड हिम इन अ वेरी जॉली मूड सर। कहीं ना कहीं उसने ये कॉन्सेप्ट जो भगवान से मांगा था और वो मजे कर रहा है सर। बट जैसे हमारे एक मित्र ने ऑब्जर्व किया सक्सेस डज नॉट प्रूव दैट द फेमस पर्सन आर कैरिंग गुड कैरेक्टर्स
डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे सर, हम आपको बता रहे हैं हमारा तो पर्पस ही इस वर्कशॉप का ये है कि उस करेक्टर को कैसे रिफ्लेक्ट करना और ये दर्शाना कि सर वो करेक्टर अगर आप देखते हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था हेडमास्टर का सर करेक्टर क्या था सर, बट एट द सेम टाइम क्या मैं उसको अडॉप्ट करूं या उसको शन करूं, चॉइस मेरी है। क्योंकि अगर मेरे को महसूस होता है उस हेडमास्टर ने मेरा मन हर्ट करा है तो नेचुरली कि मैं वो रेप्लीकेट ना करूं किसी और के साथ में। ये एक पर्पस है इस वर्कशॉप का, यही पर्पस आपको दर्शाने का था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पर्सन हु हैड मेड दिस ऑब्जर्वेशन सर। मैंने फुल स्क्रीन पे कर रखा है सर, सर आई कांट सी चैट टाइम एंड अगेन, बट डेफिनेटली अगर मेरे को कोई भी बात करेगा और मेरा कोई ओपिनियन शेयर करने का, डेफिनेटली आई विल शेयर विद मी ओपिनियन, आई विल हैव हिज ओपिनियन आल्सो सर। सर पर्पस ऑफ लाइफ क्या क्या है सर, आती है सर अल्टीमेटली हमारा कर्मा थ्योरी सर, लाइफ बैलेंस शीट सर। लाइफ बैलेंस शीट एक एक्सरसाइज जो हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं और मित्र जिसने ऑब्जर्वेशन किया था वो उस चीज को भी जरा देखें, गौर करें, इसके बाद हम और जब बढ़ेंगे सर। लाइफ बैलेंस शीट में क्या है कि अगर हमने जॉय एनर्जी एंथुसियाज्म एंड पीस चाहिए सर तो हमने एक एक्सरसाइज आपके साथ बांट रहे हैं सर। और एक्सरसाइज क्या है सर, लाइफ बैलेंस शीट पार्ट वन सर। पार्ट वन में क्या है सर, एक assumptions and answer, जैसे आपको जानते हैं इस टाइम पे एक ऑनलाइन सेशन है तो हमको जो है एक इस मूड में रहना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि क्या आंसर होंगे बेस्ड ऑन दी माई प्रीवियस एक्सपीरियंस सर, आई एम शेयरिंग विद यू सर। ये एक्सरसाइज क्या है सर, आई विल शेयर विद यू सर। ये सर तीन चीज के अंदर में बांट रखा है सर, और जब हम आप लोगों से पूछते हैं सर, जहां हम पूछते हैं जो आप लोगों से पूछते हैं सर, हर कंपनी की बैलेंस शीट होती है सर, और जब उनसे क्वेश्चन किसी भी पार्टिसिपेंट से किसी से भी किसी भी ऑर्डिनरी आदमी से पास कर देते हैं तो हम कहेंगे भाई कौन से टर्म्स हैं यूज किए जाते हैं एक बैलेंस शीट के अंदर में, नेचुरली आंसर्स क्या आते हैं, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस है, असेट एंड लायबिलिटीज है, क्रेडिट डेबिट्स है, तो व्हाट डू कंपनीज ट्राई टू डू, आंसर आता है कि हर एक कोई कंपनी चाहेगा असेट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ और लायबिलिटी और लॉसेस को कम करो, और ये हर एक मैंडेट होता है एवरी सीईओ को दिया गया। और अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन व्हाट टर्म्स डू दे मेजर देयर परफॉर्मेंस, अगर कोई भी कंपनी का होता तो कोई कहेगा भी रुपए में होगा, डॉलर में होगा, कुका, पर तो एट द सेम डे इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मनी, एक करेंसी होगी सर, जिस कंट्री की जैसे जैसे करेंसी होगी उसके हिसाब से जाएंगे सर। अब ये होगी सर बैलेंस शीट की बात होगी एक कंपनी की सर। अब हम कहते हैं कि भाई आपकी लाइफ ही एक कंपनी है सर, इमेजिन दैट लाइफ इज अ कंपनी एंड यू आर सीईओ, विथ व्हाट करेंसी वुड यू बी एबल टू मेजर योर परफॉर्मेंस एज द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ, कैसे हिसाब से करेंगे। मैंने आपको जीप का एग्जाम्पल दिया सर, परंतु सर बेलोनो आ जाए, कोई भी आ जाए सर, क्या वो शांति देगी सर? तो अगर शांति देगी तो जब एट द एंड ऑफ द डे जब मैं काम करके हटता हूँ, आंसर आते थे कि मैं अगर लाइफ की कंपनी की सीईओ हूं, मेरे अपनी लाइफ की कंपनी ऐसी कंपनी का सीईओ हूं, मैं सेटिस्फेक्शन चाहूंगा, मैं फुलफिलमेंट चाहूंगा टुवर्ड्स द जॉब विच वाज असाइन टू मी, मैं हैप्पीनेस चाहूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, यू नो क्या मेरे को जो है कोई काम करके अच्छा लगता है वो लगेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं पीस ऑफ माइंड चाहूंगा, मैं अच्छी हेल्थ चाहूंगा। अच्छी हेल्थ ले लीजिएगा, फुलफिलमेंट ले लीजिएगा, सेटिस्फेक्शन ले लीजिएगा, परंतु इन सब का मतलब क्या है कि हमने किसी न किसी तरीके से हम चाहते हैं सेटिस्फेक्शन लीड्स टू पीस, हैप्पीनेस लीड्स टू पीस, फुलफिलमेंट लीड्स टू पीस और पीस लीड्स टू हैप्पीनेस, तो हम इसको इसमें मानते हैं सर। अगर हम अगर इसको हम जो कन्वर्स करते हैं हैप्पीनेस कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अजम्पशंस एंड आंसर्स के हैपन सर, ये हम पूछते हैं सर। अब क्या हुआ सर, उसने बता दिया assumption answer, अब हम जिसमें हम टास्क देते हैं सर, टास्क और आपके लिए भी वो टास्क है, perhaps आपके लिए रिफ्लेक्शन के लिए सर, भूल जाइए एक मिनट के लिए आप ऑनलाइन है, आप महसूस करिए मेरे साथ ही है आप साथ में, मैं टास्क आपको देता हूँ और टास्क देने के बाद में आपको क्या टास्क देता हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको टास्क दिया, कहा कि आप जाओ, क्योंकि एक जो ओपन एरिया है कहीं पर भी बैठो, आप अपनी जगह बैठे हो, दो पेजेस क्रिएट करें सर, पहले पेज पे उन लोगों के नाम लिख लीजिए हु हैव डन गुड टू यू विदाउट एनी कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई भी कंडीशन नहीं, वो आपका नाम लिखिएगा, और सेकंड पेज पे लिखिएगा राइट नेम्स ऑफ दोस पर्सन टू हुम यू हैव डन गुड्स विदाउट एनी कंडीशंस,
ठीक है सर। अब आपने जब गए लौट कर आए तो आपसे हमने एक जब प्रश्न पूछा, और आप भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, हमने जब पूछा द कंसेंसस क्या था सर, नेम्स ऑन पेज वन वर मोर देन द वंस ऑन पेज टू, मतलब क्या जो लोगों ने मेरे साथ भला किया सर वो लोग ज्यादा थे बल्कि जो है उस व्यक्ति उससे कि जिसके अंदर मैंने भला किया। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं थी आपके पास में? वाई दिस पेज वॉज शॉर्ट? अगर पेज वन शॉर्ट था तो आप क्यों रिफ्लेक्ट करिएगा क्यों शॉर्ट था? क्या आपको अपना अभिमान आ गया? क्या आपको अपनी पावर का नशा आ गया? और इंसिडेंटली ये पेज वन ही आपके कंट्रोल में था, और पेज वन जो आपके कंट्रोल में था, मान लीजिए जैसे हमने पहले एक उसमें देखा कि जीपीएफ के लिए फॉर्म के लिए कर रहा था, तो उसने क्या कहा था, उस आदमी का जो मन दुखा है उसको कंट्रोल में था, उसको चाहता हेल्प कर सकता था बट नहीं किया, ये चीज आ जाती है। तो यहां पर आप ये देखिएगा सर, आप अपने पेज वन की एंट्रीज को बढ़ा सकते हैं बिकॉज दैट इज योर कर्मा थ्योरी, और उसी से आपको जॉय और हैप्पीनेस मिलेगी। वो जीप मिल जाएगी सर, वो जीप ऐसी मिलेगी जो हवा दौड़ेगी भी उड़ेगी भी सर। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता, मैं MRTP कमीशन में काम करता था, वो जैसा उस टाइम पर जो एक था प्रथा चल रही कि LML जो है बिल्कुल वो चला गया था, और LML के साथ लोग रिफंड मांगने लग गए थे। LML वॉज ब्रॉट इन टू दी कमीशन, कमीशन का एक हमारा कोर्ट होता था उसमें लाया गया, और LML ने कोर्ट में ये कहा कि हम जो जो भी एप्लीकेशन हमको थ्रू MRTP कमीशन मिलेंगी वो प्रायोरिटी पे उनको हम फुलफिल करेंगे। आई वॉज इन चार्ज ऑफ दैट सेक्शन वेयर आई वॉज टू रिसीव दी एप्लीकेशन सर। मेरे एप्लीकेशन रिसीव करने के टाइम पे सर मैंने क्या है, मतलब कि गॉड हैज गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी, जो भी व्यक्ति आता था उसको एप्लीकेशन लेके मैं LML वालों को पकड़ाता था और रिफंड दे के चले जाते थे, उस व्यक्ति से कहता था कि आप आकर इसको लीजिए लीजिएगा। मैंने अपना पेज वन क्रिएट कर दिया, मुझे मालूम नहीं है, मेरे को कंडीशन नहीं थी, मैं जानता था ना शक्ल नहीं थी, नहीं कुछ भी देखा था, बट एट द सेम टाइम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ माई वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कभी ऐसा छुप कर नहीं किया कि यार ये मैं दूंगा, किसी डॉक्टर का फॉर्म दूंगा या किसी में कंप्यूटर का फॉर्म दूंगा ही नहीं, या कोई PNO को उसका फॉर्म नहीं दूंगा। मेरे पास जो भी व्यक्ति आया उसे देखा, एंड दिस अपॉर्चुनिटी वॉज गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ माई बींग पब्लिक सर्वेंट सर। बहुतों को भला किया सर। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा सर कि जो कि विदाउट कंडीशन किया, और विदाउट कंडीशन मेरे साथ हुआ सर। मैं एक बार सड़क पे आ रहा था सर, पंखा रोड की सड़क थी सर, मैं जनकपुरी में रहता हूँ सर, वहां पर एक ऐसा मैं स्कूटर पे आ रहा था सर, और उस टाइम की जो बात थी लगभग लगभग आज से कई सालों पहले की बात है सर, और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मेरा टायर पंचर कर गया सर। टायर पंचर कर गया था सर, मेरे को स्टेपनी भी बदलना नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, अंधेरा था उस सड़क के ऊपर में सर। एक व्यक्ति अपने यंग पर्सन अलॉन्ग विद हिज वाइफ वॉज ट्रेवलिंग थ्रू थ्री व्हीलर ऑटो सर, थ्री व्हीलर के थ्रू जा रहा था। उसने देखा ये मेरे को देख के उसने कहा ये क्या आदमी परेशानी में है। वो मुड़कर आया सर, कहने क्या हो गया जेंटलमैन? मैंने कहा कि सर मेरे तो ये हालत हो गई है, मेरे को तो टायर चेंज करना नहीं आता है, और स्टेपनी का मुझे पता नहीं कैसे उतारू क्या नहीं उतारू। उसने थ्री व्हीलर ऑटो वाले को बोला कि भाई आप उतार सकते हो? उसने कहा उतार सकता हूँ। उसने कहा कि ऐसा है कि सर आपकी देर हो जाएगी। उसने कहा हमारी देर की परवाह मत करो, ए यंग पर्सन ए यंग ऑफिसर अलॉन्ग विद हिज वाइफ वॉज ट्रेवलिंग ऑन ए डार्क रोड, ही स्टॉप्ड हिज ऑटो, ही केम टू मी, ही डिड दिस थिंग। अब मुझे बताइएगा सर उस आदमी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, और पेज वन का। बट एट द सेम टाइम ऐसी बातें तो अलग हैं, पब्लिक सर्वेंट को तो अपॉर्चुनिटी गैलोर है सर कि अपना पेज वन बढ़ाने के लिए, जहां पर आप जो है दुनिया को मदद कर सकते हैं सर। कहने का मतलब ये बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे ये हालत हो गई कि उस व्यक्ति का नाम मैं भूल नहीं सकता, बट अगेन माई पर्पज इज कि लाइफ बैलेंस शीट के अंदर हम जो है इस चीज को उजागर करने की कोशिश करते हैं एज ए पब्लिक सर्वेंट। पेज वन जो है आपके पास, सॉरी पेज वन मतलब जो आपके अंडर हैं, जो एंट्रीज आपके पास हैं, जो एंट्रीज आपका पेज नंबर टू पे हैं, आप जिनके आप भला कर सकते हैं, उस एंट्रीज को आप बड़े कन्वीनियंटली बढ़ा सकते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली लाइफ बैलेंस शीट मींस। दिस इज फॉर एज दिस गिव्स यू व्हाट जॉय हैप्पीनेस जीप। ठीक है सर, तो यहां पर जो है दिस इज ऑल्सो ए थिंग फॉर क्रिएशन ऑफ असेट्स। नाउ वी विल गो टू द लाइफ बैलेंस शीट पार्ट टू। लाइफ बैलेंस शीट पास टू में हमने क्या करा कि असाइन किए सर, असाइन किया, और ये आप देखिएगा क्या है इसके पर्पस है। दिस इज समथिंग फॉर यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन। जैसे मैंने शुरू शुरू में आपसे कहा था लिसन और ऑब्जर्व करिए, रिफ्लेक्ट जरूर करिएगा, जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें क्या गो एट सीट ए ग्रोथ
Right names of those persons who have done. Oh, sorry, I think I have taken this thing. Just 1 second, sir. In fact, I have mistakenly taken this thing. Lab of Battleship Part 2. This one. That second part was, sir, ki that was only with reference to ki jahan par humne unko basically just I will just see whether I think there's some mistake. So in fact, sir, this was some of that second part two was कि you try to just find out किसको आपने जो है गलत किया है सर, आपने कहाँ से गलत किया, आपने willingly या unwillingly hurt किया और कितने लोगों ने आपको willingly या unwillingly hurt किया है सर. ये देखा गया है कि हमारा जो hurt करने वाले की संख्या जो ज्यादा थी and what is it, ये हमारे लाइबिलिटीज थी और लाइबिलिटीज होने के नाते क्या हो रहा था उसके अंदर में हम अपने बोझ तले चले जा रहे थे, हम अपने वो परेशान होते जा रहे थे. सो दिस इज एग्जैक्टली समथिंग गोज रॉन्ग सर. बट दे से कि जहां पे कोई भी चीज होती है, जो भी आप करते हैं सर, जो भी आप करते हैं किसी न किसी तरीके से आपकी उस पर आता है, वापस आता है. यू डू गुड कर्मा, गुड कर्मास विल रिटर्न टू, नॉट नेसेसरी फ्रॉम द सेम पर्सन, इट मे बी फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, बट इट डेफिनेटली रिटर्न सर. एंड इनफैक्ट I just share with you a video जो कि World War One के period के अंदर थे. See this video, see how this life balance sheet part one and part two were in existence prior to this program also. And in fact, this program has taken only from those lessons have been learned from those persons only. Sir. सर सी इट वॉज समथिंग कि कितना बड़ा चीज हुआ, एक आदमी विदाउट कंडीशंस जो है था उनको वेव करता है विदाउट कंडीशन, उसको मालूम नहीं होता जिसका वो पैसा लौटा रहा है वो एक आदमी इतना बड़ा आदमी बन जाएगा जो उसकी मदद करेगा. तो यहाँ पर आता है जेलेसी एंगर वगैरह होता है एंड दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम आई विल जस्ट शेयर विद एन इंसिडेंट सर. नेक्स्ट जब भी आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपको बुरा लगता है. मेरे एक और एक्चुअली में जहां पर किसी ने अच्छा काम करते है उसका नाम लेने के अंदर भी बुराई नहीं होती सर, अच्छा लगता है सर. मेरे एक ऑफिसर आलोक कुमार जी असम कैडर के, जो चीफ सेक्रेटरी असम भी बाद में बने, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग में सर. डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग में थे और काफी काम के लिए वो थे, काम की कदर भी करते थे जैसे मैं आपको बताऊंगा, बट कितना ह्यूमन टच था सर. एक बार मेरे पास जो है एक कम्युनिकेशन आया
डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है डीओपीटी के, एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होने वाली है शाम को, मतलब कि दैट मीन्स कि टुमारो इवनिंग, और उसके बारे में हम अपने डिवीजन के कमेंट देते हैं, एंड द कमेंट शुड बी सेंड बाय 12 o'clock बाई, सो दैट दिस कैन बी कंपाइल्ड एंड सेंड टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। मैंने कंपाइल कर दिए। कंपाइल करने के बाद मैं आलोक कुमार जी के कमरे में, क्योंकि अभी नए नए आए थे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग आए थे, तो मैंने सोचा कि नॉक करके इनके पास चला जाऊं और बताऊं कि सर ये बहुत अर्जेंट काम है, इसको आप देख लीजिएगा और अगर आपके कोई सजेशन होते हैं तो उसमें चेंज कर दीजिएगा। मैं उनका कमरे में नॉक किया, नॉक करने के बाद जैसे ही उनका कमरा नॉक करके दरवाजा खोला तो आलोक कुमार जी ने दोनों हाथ झटकते बोले, नहीं नहीं चुप मिस्टर चुग, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आप जो है बाद में आइएगा। अब नेचुरली मेरे को ये था कि दो बातें मेरे को असमंजस में पड़ गया था, मैं क्या करूं, क्या इनके पास को परेशान करूं या नहीं करूं, वो तो बात अलग आ जाती है, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ करता हूं नहीं करता तो भी गलत है। तो मैंने उसी फाइल के ऊपर प्रायोरिटी की स्लिप लगा के उसका प्राइवेट सेक्रेटरी को दे दिया और प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला कि आप जो है इसको जेएस के सामने रख दीजिएगा और उनको कह दीजिए कि अगर बता दीजिएगा अगर वो बीच में आप परमिट करें। फाइल उनके पास चली गई। जब फाइल चली गई तो लगभग लगभग 3 बजे के करीब में, बीच में 11 बजे के टाइम था मैं जो उनके कमरे में नॉक किया होगा, और 3 बजे के करीब जो था उनके फाइल मेरे पास आ गई। मेरे पास फाइल आ गई तो मैंने फाइल में दे उन्होंने अप्रूव कर रखा था, मैंने कमेंट्स बना के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिए। बात यहां तक नहीं खत्म थी, हम लाइव बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं जहां पर जेलसी एंगर या आपका एरोगेंस जो है उसको शेड करने की बात आती है। सर मैं शाम का समय हुआ 5:45 का टाइम में काम खत्म हो चुका था तो मैं चलने लगा। जैसे मेरा कमरा और आलोक कुमार जी का कमरा साथ साथ था, ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं जैसे कमरे से निकला मैंने आलोक कुमार जी को जाते हुए देखा। जैसे मैंने जाते हुए देखा तो मैंने अपने कदम जो है पीछे कर लिए। मैंने कहा क्या मिलना है यार इनसे अभी, तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने कुछ नहीं कर, वो लिफ्ट से चल रहे थे, मैंने स्टेयर से गया। इंसिडेंट इट सो हैपन कि जब मैं स्टेयर से नीचे पहुंचा वो लिफ्ट से उसी टाइम पर नीचे पहुंच गए और कुछ स्टेप्स वो आगे थे, तब मैंने फिर रिट्रेस करे अपने स्टेप। परंतु तो आप देखिएगा आलोक कुमार जी के मन में क्या चल रहा था, उन्होंने पीछे मुड़े मेरे पास में, पीछे मुड़ के मिस्टर चुग, मैंने कहा सर क्या होता है यार, मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गया आप, मैंने किस बात का, कहते मेरा फाइल क्लियर कर दी, मैंने कहा सर हाँ कमेंट्स भेज दीजिए। बट एट द सेम टाइम बाई दिस एक्ट ऑफ डॉक्टर मिस्टर आलोक कुमार ही शोड हाउ दिस नो हाउ मच ही वॉज केयरिंग फॉर दी सबॉर्डिनेट, मतलब उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन, आई वॉज जो रिफ्लेक्शन था ही डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन दैट डे। ही रियलाइज कि दैट सम ऑफ द अदर द आई वाज जस्ट नॉट इंक्लूडिंग इन दिस रूम, आई वाज गोइंग देयर विद द पर्पस। तो वहां पर उन्होंने वापस किया, वापस करने के बाद जो है एक जो है मुझसे एक वर्चुअली उन्होंने अपोलोजाइज किया, सॉरी फेल्ट ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट, बट दिस एक्ट ऑफ हिज माइट हैव यू नो द क्लियर हिज चेस्ट आल्सो, बट इट आल्सो यू नो बिल्ट अप हिज इमेज इन फ्रंट ऑफ माई आईज। So this is what exactly you know life balance sheet part 3 says कि जो आपकी liabilities हैं उसको खत्म करिए, किसी तरीके से भी liquidate करिएगा, assets को बढ़ाते जाइएगा, assets को बढ़ाकर जो आपको joy और peace मिलेगी वो आपको कहीं और पर नहीं मिल सकती। This is what exactly life balance sheet part 1 and part 2 says, and as I said that as a public servant you have got enough not to only to create you know the assets only, shed away the liabilities. सर ये बहुत कंफ्यूजन होता है, एथिक्स के बारे में हम बात कर लिया सर, हमने बहुत किया कंडक्ट की बात, इंटरनल वैल्यूज के बारे में बात करती है और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सर, एथिक्स एंड एथिकल डायलेमा की बात आती है सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से यही होता है सर कि क्या एथिक्स सर क्या एथिकल। अब आप ये देखिए सर, व्हाट इज नाइदर एथिक्स नॉर एथिकल डायलेमा, कुछ ऐसी भी चीजें होती है, हम इसको कवर करेंगे सर इस पार्ट के अंदर। सर Clarity on confusion of an ethics and ethical dilemma. Life balance sheet and causes of ethical dilemma with help of example professional life. What would you have done? मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना उस चीज के ऊपर, आप क्या सोचते हैं सर, वो सोच देखेंगे आपसे। Consider following sir, whether ethics or ethical dilemma sir. मैं एक इंक्वायरी कर रहा हूं सर, कर चुका, कंप्लीट कर चुका, and I completed this inquiry in 2019 sir. एक चार्ज ऑफिसर है सर, ही वॉज नॉट बींग कॉपी ऑफ द इंक्वायरिंग रिपोर्ट, दो दी इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने आज से 1 साल पहले सबमिट कर दी सर, क्या इसमें एथिकल डायलेमा है सर उस आदमी के पास में जो आदमी इससे डील कर रहा है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन से वेरी क्लियरली एज टू व्हाट शुड यू डू आफ्टर रिसीट ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट सर, 1 साल
से ज्यादा, 1 साल 4 महीने से ज्यादा, अगर आप एक किसी चार्ज ऑफिसर की रिपोर्ट, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट चार्ज ऑफिसर को नहीं देते, ये तो सर एथिक्स क्या है? ये तो बिल्कुल नेग्लिजेंस है सर, एथिक्स की तो बात है। ये ऐसा कंडक्ट है सर जो अगर रेप्लीकेट होगा तो अच्छा नहीं होगा। अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट सीबीसी ने इंस्ट्रक्शन इश्यू करी है कि 2018 से पेंडिंग पहली इंक्वायरी जो है वो दे दी जाए। मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ सर। एक इंक्वायरी में कंडक्ट कर रहा था सर, और इस इंक्वायरी के अंदर में जो चार्जशीट मिली सर, चार्जशीट के अंदर एक चीज लिखी हुई थी कि जो एनेक्सस थे उसके अंदर ये लिख रखा था कि जो इंड्यूजल है, एक डिवीजन था सर, उसकी इंस्पेक्शन कंडक्ट करी जाएगी, प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, और प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो है देखा जाएगा कि कौन कितना गिल्टी है, उसी हिसाब से चार्जशीट दे दी जाएगी। सर वो इंक्वायरी जो चार्जशीट मुझे मिली उसके अंदर एक पेपर था जिसके अंदर ये मैंने आपसे जिक्र किया कि जो कमेटी थी उसने उस ऑफिस को विजिट करना था सर। कमेटी डिड नॉट विजिट दिस ऑफिस बिकॉज ऑफ द ए पर्सन सेड दैट ही सो बिजी दैट ही कांट विजिट सर। ऑप्शंस एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या आते सर? ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन के पास में अगर कोई एक व्यक्ति इतना बिजी है तो कमेटी दूसरी बना दीजिए सर, और किसी और को नॉमिनेट कर दीजिए सर। उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया सर। नॉमिनेट ना कर करके उन्होंने ये क्या कहा, जिस ऑफिसर को चार्जशीट दी गई वो उसकी सर्विस का आखिरी दिन सर। दो अगर कमेटी जाती तो वो पिन पॉइंट कर सकते थे वेदर ही वाज गिल्टी और ही अदर पर्संस हु वर वर्किंग अंडर हिम वर गिल्टी सर। बट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा आसान तरीका अपनाया सर, उन्होंने उस चार्जशीट को जो है उस व्यक्ति के ऊपर लास्ट डेट ऑफ हिज सुपरनेशन उसको सर्व कर दिया सर। वेदर इट इज एथिक्स और एथिकल डायलेमा सर। क्या एथिकल डायलेमा था सर कि एक कमेटी के और मेंबर नहीं बना सकते? इसको जो है मिसकंसेप्ट मिस जो है इंटरप्रेट किया जाता है, और इनएक्शन को जो है बड़े आराम से कर दिया जाता है। बट एट द सेम एथिक्स मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, दिल्ली जल बोर्ड ने एक्शन है सर, बट इट इज ऑल्सो नॉट एथिक, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। बट अगर मैनली कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है अच्छे ढंग से, एटलीस्ट ही इज जस्ट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यू ही इज हैविंग द वैल्यूज सर। तो ये मैं आपको बताया कि ये जो है अच्छी उदाहरण है। मैंने आपसे ये शुरू में कहा था चॉइस हमारे पास है सर, बट एट द सेम टाइम चॉइस जो है हमको अपने सोच समझ के, अपने इंटरनल कॉन्सेंस को अवेकन करना है। मैंने अपनी एक सर्विस बुक की कॉपी मांगी सर 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से, कहते हुए कि मेरे सर्विस बुक की कॉपी दे दीजिए क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ एनरोल्ड एज एडवोकेट सर। बट एट द सेम टाइम सर दे वेंट ऑन डिनाइंग मी दिस कॉपी सर, जबकि टू जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 के अंदर बहुत क्लियर कट दे रखा है कि एक आप जो है सर्विस की कॉपी जो है हरी दो रखी जाएंगी, एक ऑफिस में रखी जाएगी और दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाएगी। ये एथिक्स है या एथिकल डायलेमा है? ये एथिकल डायलेमा है कि सर कि मैं कॉपी नहीं दूंगा सर। इट इज नॉट एथिकल डायलेमा, इट इज इन एक्शन सर। इट इज नॉट एथिक्स ऑल्सो, इट इज अ बैड कंडक्ट ओनली सर। सो दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैज टू बी रिफ्लेक्टेड अपॉन सर कि क्या है। मेरा ड्यू फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव का जो है ऑर्डर इतना डिले कर दिया सर कि मेरे को आई हैव टू राइट टू सेक्रेटरी सर, क्या ये एथिक्स है या ये एथिकल डायलेमा है? इट इज टोटली इनएक्शन। सो इसको गलत मत समझिए, एथिक्स एथिकल डायलेमा। सर्विस में बैठे हैं सर, मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर कहता है 7 दिन में आप एक रिसीट को खत्म कर दीजिएगा, आप किसने सोकर बैठे हुए हैं सर? जो एथिक्स नहीं है, एथिकल डायलेमा नहीं, इट इज एनएक्शन। डोंट डोंट कंफ्यूज इट सर। हमारी इंटरनल कॉन्सेंस जाननी चाहिए हम किसी का अच्छा करना है सर। दे शुड बी एनी यू नो दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। मैंने लाइफ बैलेंस शीट की आपसे बात करी थी, और क्या प्रोफेशनल लाइफ में आप करते, मैं आपके साथ करता हूं सर। सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में काम करता था सर। अब क्या होता है, मैंने आपसे बता दिया सर असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बता दिया सर आपको। आपको जो ग्रीड है ना सर, वो आपको पब्लिक सर्विस से हटाता चला जाता है सर। आप पब्लिक सर्विस ऑनेस्टी से निकल, जो ऑनेस्टी प्योरिटी अनसेल्फिशनेस लव की बात कर रहे हैं, जो इंटरनल वैल्यूज हैं, जो इंटरनल वैल्यूज हैं, नॉट मटेरियल गेन्स है सर। जो जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, मटेरियल गेन्स के अंदर कुछ काम करना सर, इसको जो है एथिक्स मतलब कि मटेरियल गेन्स के अंदर काम करना, कंडक्ट करना, जैसे मेरे मित्र ने भी एक ऑब्जर्वेशन दिया, वो अच्छा नहीं कहा जाता सर। मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में काम करता था, मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने जैसे बताया कि उन लोगों का नाम लेता हूँ जहां पर एक अच्छी चीजें हो गई। उन्होंने मेरे से कहा कि आप जो है एक एनटीपीसी को लेटर लिख दीजिएगा, ये कहते हुए कि वो कोर्ट केस को ड्रॉप कर दीजिए सर। मैंने कोर्ट केस को
हो चुका, तो कोई आधार बट सर देर आर ऑलवेज पर्सन हु आर ऑन यू नो चाम, क्योंकि एनटीपीसी का चार्ज बड़ा ल्यूक्रेटिव माना जाता था सर, तो एक आदमी जैसे सर मुझे कहो मैं लिख देता हूँ सर, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी डायलेमा क्या था मेरे पास में, मेरे पास डायलेमा ये छोटा सा डायलेमा था, अगर मान लो ये एथिकल डायलेमा आ जाता कि अगर आप रूल्स रेगुलेशंस के, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, अगर आपको अपनी कंस्प्योरिटी और का साथ काम करना चाहिए, यू शुड नॉट सकम सकम टू दिस प्रेशर सर, यू फील वेरी कंफर्टेबल सर, तो ये चीजें मैं आपसे बताया कि ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके पास आ जाते हैं, समटाइम वी स्टिक टू समथिंग नॉट बिकॉज वी फील कि दैट इज राइट, बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ दिस लालच लगा लीजिएगा, बिकॉज यू नो दिस ग्रीड लगा लीजिएगा, नो नहीं अगर मैं काम करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा, अगर आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो वो चार वैल्यूज को हमेशा याद रखिएगा, अनसेल्फिशनेस, प्योरिटी, ऑनेस्टी और लव जो है आपका बिल्कुल प्योर होना चाहिए, नॉट फॉर मटेरियल गेन सर। मैं एक और इससे बड़ा उदाहरण था मैं आपसे पूछता हूँ, आप रिफ्लेक्ट करिए सर, मैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में काम करता था, डिप्टी सेक्रेटरी था, एंड इनफैक्ट व्हाट हैपेंस सर कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेटिंग इंस्टीट्यूशन सर, हर एक तरीके हर एक चीज के लिए एक कट ऑफ डेट होती है, उसके लिए भी कट ऑफ डेट थी कि जो भी एप्लीकेशन 31 दिसंबर तक आएंगी वो कंसिडर की जाएंगी फॉर द एंसुइंग एकेडमिक ईयर, और जो 31 दिसंबर के बाद आती हैं उसको जो है नेक्स्ट ईयर जो है कैरी कर लिया जाएगा, प्रिंसिपल्स पर क्लियर थे बहुत ज्यादा था। अब जो है एक व्यक्ति बहुत क्लोज टू द मिनिस्टर, ही वेंट टू द मिनिस्टर, He said he had given his application sometime in March or April के बीच में दी थी, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी। मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर के पास गए, मिनिस्टर के बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने कहा उनसे बोला कि भाई मैं मेरी एप्लीकेशन तो मार्च में आई है, बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इसी एकेडमिक ईयर के लिए आप जो है मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करिएगा। हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने जाकर नेशनल काउंसिल टीचर फॉर एजुकेशन को बुला लिया, टीचर एजुकेशन के चेयरमैन थे, उन्होंने ही मेरे को स्पेसिफिकली डिप्यूट किया था उस जगह में, रीजनल डायरेक्टर का चार्ज दिया था, वो शरीफ थे अपन तो डरपोक थे, वो वहां पर गए और मिनिस्टर साहब के साथ पहुंचे, और मिनिस्टर साहब के पास पहुंचने के बाद में बातचीत होने लगी, विचार विमर्श होने लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो भाई क्या आ गया, हमारे मित्र हैं, बताओ भाई आप बताइएगा कैसे इसका इसको सोल्यूशन निकाला जाए, वो क्या सोल्यूशन देते चेयरमैन साहब, तो इतने में वो एकदम जंप करे जिनके जिनका इंटरेस्टेड पार्टी थे मिनिस्टर साहब, वो बोले हम समझ सकते हैं सर कि चेयरमैन की क्या मजबूरी हो सकती है, तो मेरा ये सुझाव है कि मैं आपको जो है एक जजमेंट ला देता हूँ, कोर्ट से ऑर्डर ला देता हूँ जिसके अंदर ये कह देता हूँ कि दिस एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड फॉर द एनसुइंग एकेडमिक। अब जो है बेसिकली इस बात को सुनकर चेयरमैन साहब भी उछल पड़े, उन्होंने कहा ठीक है इससे तो मेरी सॉल्व हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में उन्होंने जिक्र क्या करा कि उन्होंने इस इतना उनको हैंडल दे दिया। अब वो मित्र जो वो व्यक्ति जो मिनिस्टर के साथ इन्फ्लुएंशियल थे, उनका किसी न किसी जज के साथ भी इन्फ्लुएंस था, वो फटाफट गए सर, उन्होंने 10 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल करी, और फाइल करने के बाद एक ऑर्डर लेकर आ गए कि दिस एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एनसुइंग एकेडमिक ईयर। मेरे पास जो है आए कमरे में आए कि देखिए ये ऑर्डर है, आप इस मेरी एप्लीकेशन कंसिडर करिए। मैंने उसे अब मेरे पास क्या था, अब डायलेमा क्या आ जाता है सर, डायलेमा रूल्स एंड रेगुलेशन से कि आप जो है 31 दिसंबर तक की एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे, डायल नंबर दो अगर मैं उसकी एप्लीकेशन कंसिडर करता हूं तो बहुत ही एप्लीकेशन और भी जो जनवरी से लेकर मार्च तक जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी सबके सब उसी ऑर्डर्स को देखते ऑर्डर्स को कोट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो है कहेंगे हमारी भी एप्लीकेशन कंसिडर करो। नंबर थ्री, जिस टाइम पर मेरे को काम दिएगा तो बहुत ही प्रिकेरियस स्टेज पे था और मेरे को ये काम करना पूरा था, मतलब किसी हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट था। अब दूसरी तरफ से ले लीजिएगा सर, अगर मैं नहीं करता हूं तो उसके अंदर मिनिस्टर साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझसे वो जो रीजनल डायरेक्टर की जो पदवी है वो छीन ली जाएगी, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर का बहुत पावर थी, मैं ग्रीड को इम्पोर्टेंस, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के इम्पोर्टेंस दूँ, मिनिस्टर साहब को इम्पोर्टेंस दूँ, तो ये उद्योग पड़े थे।
तो ऐसे स्टेजेस पे क्या होता है सर? यू गो टू योर इनर कॉन्सेंस, मेरी इनर कॉन्सेंस क्या कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, ये डायलेमा पड़ता है सर आपके पास में। आप मैंने जब कोई सब पूछा था, सबने कहा भाई जब एक बार आपके पास कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो कर देते, परंतु मैंने दूसरी साइड भी की और सब सम द अदर ये जो है मेरी कॉन्सेंस को प्रिक कर रहा था, क्या हम पब्लिक सर्विस जैसे हमारे ने बोला क्या ये ठीक है, ये एक बात ठीक है। तो हमने जो है एक्चुअली में अपने काउंसिल्स लीगल स्टैंडिंग काउंसिल्स से बात करी, उसने भी हमें फोन किया कि सर ऐसे ऐसी बात है, हमने कहा चिंता मत करिएगा, आप ऐसा करिएगा कि आप इसके ऊपर में डिवीजन बेंच के साथ केस सामने ले जाइएगा सर। सर 2 दिन में केस जो है डिवीजन बेंच के पास लगा, एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट करी, अर्ली एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट करी, अब आप सोचिए क्या होगा सर। आप देखिएगा सर हर व्यक्ति जो है ऐसा नहीं होता जो कि एक सिंगल जज जैसा होता जिसको खरीदा जा सके सर। सर डिवीजन बेंच के अंदर जो है बेसिकली उन्होंने ना केवल डिसीजन ऑफ द सिंगल बेंच को ओवरटर्न कर दिया, बल्कि रादर स्ट्रिक्चर पास किए अगेंस्ट द सिंगल जज कि ये ऑर्डर करेक्ट है। जब ये बात जो है मिनिस्टर के पास पहुंची तो मिनिस्टर जो है बड़े गुस्से में आए कि भी कौन सा रीजनल डायरेक्टर है जो इतनी बात को नहीं समझता। देयर वर नो रिटन ऑर्डर सर, देयर वर ऑल वर्बल थिंग्स, और अगर रिटन ऑर्डर्स होते तो तब भी जो है कंडक्ट रूल्स कहते हैं कि एक बार अपना आईना दिखाइएगा। हमने जो है फिर बेसिकली में इस डायलेमा के अंदर में आई चोज व्हाट एग्जैक्टली एथिकल डायलेमा इज, तो वहां पर जो है बेसिकली जब हमने इसको रिवर्स किया, जब बात पहुंची तो मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए उस टाइम पिक्स सेक्रेटरी को, क्योंकि मैं डेपोजिशन पर था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में, उन्होंने ये डायरेक्शन दिए कि आप जो है इस व्यक्ति की जो है जब एक्सटेंशन की फाइल आएगी दैट फाइल शुड बी प्लेस बिफोर मी। सर आई सेक्रीफाइस दैट पोस्ट, मैं क्योंकि रेगुलर पोस्ट डिप्टी सेक्रेटरी जल्दी बनने वाला था, बट आई डिड नॉट केयर फॉर दैट बिकॉज मेरे को ये लग रहा था कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ और इस मेरी कॉन्सेंस नहीं करती, अलाउ नहीं करती, मेरे को प्रेशर के अंदर नहीं आना, आई हैव टू गो बाई माई इंटरनल कॉन्सर्न नॉट बाई वाड एग्रीटी मिनिस्टर एसेट सर। एंड इनफैक्ट वॉट हैपेंड सर, आई वॉज यू नो रिवर्टेड बैक टू माई पेरेंट कैडर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर ऑफ माई डेपोजिशन, दो चेयरमैन कंटिन्यू टू यू नो प्लीड एंड वन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी हु बिकेम लेटर फाइनेंस सेक्रेटरी, ही कंटिन्यू टू प्लीड दैट दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज नॉट समथिंग विच आई हैव टू शो सर, ऑनेस्टी इज समथिंग विच आई नो। तो मेरे को अपने अंदर से पता था कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था सर कि किसी हिसाब से कि मेरे को ये चीज क्या है, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आता है। तो कभी कभी हम ग्रीड के चक्कर में, कभी किसी लालच के चक्कर में वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट यू नो इनर कॉन्सेंस, दैट इज समथिंग वेर एग्जैक्टली यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। Similarly, sir, in fact, this was not really ethical dilemma, but this was another situation where my joint secretary said that, you know, that you sent a note to this prime minister office saying that power, you know, some of the other award which has been given to X company is not right. I sent a note because I felt it is logical. But after that, the company which was interested in, you know, prolonging the issue, they again approached my joint secretary. I said, you know, if my joint secretary and you wrote on the file, please speak. And in fact, when I went to him, I told him everything, sir. But after getting convinced from me, he dropped any action, further action on that. So, you know, such situations come. Sometimes you have to handle those things diplomatically. So this is what I just wanted to share with you, sir. Okay, that ethical dilemma, what it is, how the things, और मुझे ये भी यकीन है कि सर आपके पास, आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी situations आई होंगी, प्लस डू शेयर विद मी अगर आपके पास ऐसी situation को मेल करिएगा। अगर बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, नाम नहीं बताया, आप भी नाम मत बताइए उन लोगों का, बट अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जहाँ पर प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे, सो दैट आई कैन कोट योर एग्जाम्पल्स टू अदर सर। सर एक्चुअली मेरी लर्निंग जो है, मैंने आपसे बताया कि एक ग्रुप डी एम्प्लॉई था, उसने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग दी और बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग थी, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि बेसिकली सर आप देखिएगा कि किससे लर्निंग ली जाती है सर, लर्निंग जो है एक आदमी मिलते जिसकी कॉन्सेंस क्लियर हो सर, जो एक आदर्श बन जाए, जो कि हमको लाइफ आइडियल करते हैं सर, उसी लर्निंग को हम किसी ढंग से एक्वायर करते हैं। मैंने लाइफ बैलेंस शीट का आपको एग्जाम्पल दिया सर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बॉल गेम का एग्जाम्पल दिया सर, ना दिस इज अनदर गेम सर, हम जो लोगों के साथ करते हैं सर। अब इसके अंदर क्या है सर कि इस गेम के अंदर क्या उद्देश्य क्या है, क्या चीज है सर, वो बाद में डिस्कस करूंगा आपसे,
But first of all, I will show you the game as well as the principles for that. हम पार्टिसिपेंट को शेप ऑफ स्केल बताते हैं विच विल बी यूज फॉर द गेम सर. जितना बताते हैं इतना ही बताते हैं सर. मैं बताऊंगा क्यों नहीं बाकी बताते. आई विल स्पीक टू यू लेटर सर. रूल्स ऑफ द गेम समझाते हैं सर कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम सर. हम ग्लिम्स देते हैं सर व्हाट पार्टिसिपेंट्स डिड. जब आप कहते हैं जो मैंने आपसे बताया मैंने कैप्चर कर रखा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा सर. हम थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स उसको जब गेम खत्म हो जाती है सर हम उनको बताते हैं कि तुम्हारी जो पार्टिसिपेंट्स की फीलिंग्स क्या आती क्या निकल कर आया है सर. लेसन्स फ्रॉम द गेम सर. कैप्चरिंग एसेंस ऑफ द गेम थ्रू ए वीडियो. ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा सर. पहले सर ये आपको गेम के बारे में बताता हूँ. मुझे यकीन है कि कभी किसी टाइम पर हम रूबरू मिलेंगे तो जरूरी बात है कि हम लोग जो है इस चीज को और एंजॉय करेंगे सर. ये टेनिस कोर्ट जैसा स्टेयर होता है सर. इसके अंदर स्टेशन ए बी सी और डी होते हैं सर. लाइन्स हम खींच देते हैं सर. रूल क्या होता है एक होल्डिंग पॉट का होल्डिंग होता है सर. वो आप पिक्चर में देखेंगे सर कैसे होल्ड करने का हम उनको बताते हैं सर. 5 मिनट देते हैं कि आपको 5 मिनट देते हैं आप तैयार होइए आप में डिस्कस करिए स्ट्रेटेजाइज करिएगा सर. अगेन दिस इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द पब्लिक यू नो द गवर्नेंस सर. All players have to be distributed. उनको बताया जाता है all players have to be distributed one station or the other and no station is to be left empty. Each player must carry the pot at the same time or the other during the race, sir. Only 2 persons have to be stationed at station A to begin the race. Station A people have to hand over the pot to people at station B. All people have to stay connected. Move to station C and hand over the pot to people at station C. Sir, mark the words stay connected, but we don't explain it ki kya karna hai, kya nahi karna hai. Again, all the people have to stay connected, move to station D and hand over the pot to people at station D. Repeat actions about at station D and move to station A. The race ends when the pot is put down, sir. Sir, aap dekhiyega, ye maine aapko rules of the game bataye. मैंने आपको तो जो जो बताना था हमने शेयर कर लिया सर. अब थोड़ा सा इसको एंजॉय करिएगा और इसको देखिएगा क्या करा क्या नहीं करा. थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा 5-6 मिनट का होगा बट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दैट सर. मैंने सॉरी आई विल जस्ट सी मैं 32 मिनट 14 सेकंड से स्टार्ट होता है सर. तो आई विल जस्ट मूव टू द 32 मिनट 40 सेकंड सर. जस्ट 1 सेकेंड 32 मिनट 40 सेकेंड. Just see how involved persons are, sir. उसी से पता लगता है कि planning, strategizing is so important, sir. What exactly wrong they would have done, sir? I will share with you. What exactly the lessons learned from that? I will share with you, sir. Now, in fact, sir, आपको हमने बताया था pot. परंतु जब उनको हम ग्राउंड पे ले गए तो हमने पॉट के अंदर पानी भर दिया सर. आई विल जस्ट पुट इट फर्दर. इसको और थोड़ा आगे ले जाता हूँ सर. पानी भर दिया सर और नॉट दे आर कैरिंग द पॉट सर. Yeah.
व्हाट डू यू से? पानी बाहर गिर रहा है सर, दिस पॉट इज फुल ऑफ वाटर. अब पानी बाहर गिर रहा, पानी क्यों गिर रहा है? गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? जब हम डीप ब्रीफिंग करेंगे तो वी विल शेयर विद यू सर. So, sir, what did they do, sir? In this case, they threw away the water, sir. उन्हें पानी निकाल कर ही रख दिया सर. No, sir, they are running without water in the pot, sir. So this was the score, sir. But at the same time, what was the water, sir? In fact, we will see. What were the rules, sir? We will just see. We try to brief them, sir. But exactly positives from the game was that there is, if the teamwork is there, sir, everything is possible, sir. It was a fun because you can always just do this with fun. Planning was there. Enthusiasm was there, sir. Practice was there. Involvement was there. Competition was there. Winning spirit was there. Goal setting was there. So these are all the positives coming from this game, sir. And these are all the positives which have to be reflected upon and carried to your work, you know, the table also, sir. But at this point, what was negative, sir? I also shared assets and liabilities, sir. What was the negative, sir? Negatives were cheating, sir. Breaking rules. Because water was thrown out, sir. There are at times no connectivity and not holding the pot as per the instruction, sir. And I, as I said, spilled water. Cheating, sir. No, these are the things which emerges, sir. Now, if you take live balance sheet 1 or 2, sir, there also, you know, that this is something treated negative. Negativities have to be thrown out. Ball game also, negativity has to be thrown out, sir. If negative is thrown out and positives are there, sir,
it becomes easy for you to adopt the citizen-centric approach, sir. Now, at the same time, now coming to the observation of the gentleman who have made it, sir. Now, imagine, sir, character, competence are two parts, sir. Some people have high character, some people have low character, some people have high competence, some people have low competence, sir. Now, what is the outcome of that as far as it affects the people for whom the people are working, for the public servants are working, sir? I will just say, if the person is having high character, low competence, sir, then he will be a non-performer, sir. He will be a philosopher, sir. That is what I exactly said. No, sir, low competence, low character, burden on earth. And if the person is having high competence but low character, sir, now I just, you know, request that gentleman who had made the observation, these persons are dangerous, sir. They are crooks, sir. They will not be doing ultimate good to the society for which they have been recruited, sir. And if they are, you know, high character or high competence, sir, they are stars or heroes or deliverers, sir. So now imagine amongst you, sir, are you the one who is a star or hero? Are you the one who has the capacity to become star or heroes? And if you have got the capacity, you all have the got the capacity, sir. And all of you can become the stars or heroes, sir. Not just philosopher. And forget about being correct, sir. So you know that this is what exactly is the chart, sir, metric, sir. Now, what does the rules game of the signify? Sir, can anybody just think what is jog and what is pod? I will just you just think about yourself, but I'll start, sir. You might have also thought about it, sir. Lower the time taken, he is the competent person. But at the same time, competent, lower the time taken with cheating, it is not a competent, sir. But after following the rules, no issue, sir. Breaking the rules, it is correct rules, sir. If somebody breaks the rules, it shows his character, sir. Now, for example, I have shared with you, minister, he wanted me to break the rules, sir. But what does it show, sir? Does it not show poor character of the minister, sir? I remember, sir, as I said, I can always take the positiveness. I worked with Mr. Bommai. He was a wonderful minister, sir. He never asked us to give a grant more than what exactly is the, permissible under the rules. But it was responsibility, power, authority, sir, which is given to this thing. And carrying the pot means being in command or power, sir. In fact, sir, if you ask me frankly, any person who is the lowest functionary, sir, he is virtually in command and power, sir. Others, you know that in the police department, they say the SP is the most powerful person, not DG police. This is not to dilute the importance of DG, sir. But at the same time, SP is really in command, sir. So whosoever is in the base level, sir, he is virtually in command and power, sir. Staying connected with inclusive growth, sir. आपको हर एक को ले के साथ चलना है, आपने सिर्फ नहीं देखना. Water in pot with the resources, sir. Now, in fact, if you just see the last time, sir, they just threw away the resources, sir. What will you achieve without resources, sir? That is something you have to think upon, sir. Jog was joy of giving, sir. Now, sir, that is what actually jog with the pot game was, sir. I discussed with you जब आपसे balance sheet के बारे में चर्चा कर रहे हैं, sir. आपसे जीप के बारे में चर्चा कर रहे थे सर. जो आपका जो जॉय ऑफ गिविंग में है ना सर, वो आपका जो है मजा जो है प्लेजर ऑफ टेकिंग में नहीं है सर. प्लेजर ऑफ टेकिंग इज जस्ट लाइक एंजॉयिंग दिस टेस्ट ऑफ एन आइसक्रीम सर. जॉय ऑफ गिविंग इज समथिंग जो आपको मैंने बताया सर, जो मैंने याद हमारी मेमोरी में रह जाते हैं सर. हमारे जो ग्रुप डी एम्प्लॉय था, नाम उसका याद नहीं, चौधरी साहब, मेरे को जो उन्होंने जॉय दिया अपना कंट्रीब्यूशन देके, इसे मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा. आई कैन रेप्लिकेट. आई ऑल्सो शोड यू द एग्जाम्पल कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर जो बनने के बाद में हाउ ही वॉज हेल्प बाई सम पर्सन टू हूम ही हैज हेल्प. सो दिस इज यू दीज थिंग्स ऑफ जॉय गिविंग. इट इज इनसाइड आउट सर, हमारे अंदर से निकलती है सर, और लॉन्ग लास्टिंग होती है सर, जेनरसिटी होती है सर, अबंडेंस होती है सर, और प्लेजर ऑफ टेकिंग आउटसाइड इन होती है, मोमेंटरी होगी सर, सेंसोरियल होगी सर, सेल्फिश होगी सर, एंड पॉजिटिव होगी. हेलो जी, दिस इज व्हाट आई क्लेम फॉर. नो सर, कैप्चरिंग एसेंस ऑफ जॉग विद द पॉट थ्रू अ वीडियो सर. ये सब वीडियो सबने देखी होगी सर. मैं इसको देखता हूँ, टाइम को देखता हूँ, इसको आप छोटी सी वीडियो है, आप इसको जरा एंजॉय करो. कैसे आप लोगों को मूव किया था इस मूवी ने और इस वीडियो ने सर. बोले तो कस के गले लगाने का. अब्बुन की माँ उसको जादू की छप्पी बोलती है.
सब टेंशन खलास। ए रुक्जा, एक टाने गीला है, एक जाएगी तो अभी दूसरी आएगी। 25 टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है। हम इंसान है कि मशीन? कितना टाइम साफ करेगा? मरता रहूंगा दिन भर, झाड़ू मारता रहूंगा। सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा। सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा? किस साहब से तो सुनता आया है। काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। नहीं, कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होते हैं तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। तुम साला सबका कचर पट्टी उठाते हैं, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद भाई। थैंक यू, थैंक यू मकसूद भाई। चल बस, लाएगा क्या? काम करने दे। सॉरी, कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा सब। चिंकी को बोलना अपने बाप को एक जादू की छप्पी दे, मस्के की तरह पिघल जाएगा। सर, सीइंग दिस मूवी आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस इंसिडेंट। हमारे यहाँ पे प्लानिंग के विषय में डॉक्टर वाई के अलग किस टाइम पर वाज देयर एंड आई वाज इंसिडेंटली हैपन टू बी देयर एट दैट टाइम देयर आल्सो। सर वहाँ पर क्या थे, ही वाज यू नो दैट चीफ ऑफ द पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन। सर आई स्टिल रिकॉल सर, और पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो रात रात तक काम चला जाता था सर, जब काम चलता था तो आप यकीन करिएगा डॉक्टर वाई के अलग अपने घर पर जाते थे, अपनी वाइफ से कहते थे कि मेरे पास जो है 10 लोग बैठे हुए हैं, चाहे उनकी वाइफ कोऑर्डिनेट करती थी क्या करती थी, खाना बना के दे दीजिएगा। वो खाना बना के जो है बेसिकली वो ले जाते थे और उनको जो है अपने सपोर्ट जितने भी अपने कोलीग्स थे उनको, आप कोलीग्स थे जैसे मैंने आपको सुरेंद्र नाथ जी के बाद सुधीर नाथ जी के बारे में बताया, तो वो भी अपने ऑफिसर कोलीग ट्रीट करते थे सर, और उनको खाना खिलाएंगे, खाद खाएंगे सर। इमेजिन करिए सर उतना कितना मोरल बूस्ट होता है, क्योंकि बिकॉज दिस यू नो दिस आई एम शेयरिंग फॉर एवरी पर्सन सर, सीनियर ऑफिसर जो है या मान लो कुछ है सर, this is a, you know, something for them to reflect upon as to how much they can move the subordinates if they take care of them slightly sir. wo again aapka jo hai ek agar aapka andar se bhi aayega ki kitna acha sa lagta hai sir. this is you know that as far as this concerned sir, jog with the party, I'm talking about part 10, it is sponsored toward environment sir. I'm just trying to again show you a clipping which is very very fine clipping sir, bahut badhiya aise clipping hai sir, you will enjoy the music. और उसको सिर्फ म्यूजिक से एंजॉय मत करिए, ऑब्जर्व करिए कि उसके अंदर क्या दे रखा है सर, क्या क्या एक एक एक्शन के अंदर बहुत बढ़िया है सर, एक एक चीज के अंदर है, और व्हाट कैन वी डू ये देखेंगे सर उसके अंदर में। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पहले मैं आपको यह वो पार्ट दिखाता हूँ। इट्स अ वंडरफुल वीडियो सर, आई जस्ट वॉच इट एंड वॉच इट अगेन सर, आई थिंक आई एम श्योर दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय दिस सर, यू विल एंजॉय दिस सर। अब सर वो इसको कंपेयर के जो ग्लोब मैंने आपको दिखाया था और कितना अच्छा था, दैट प्रॉमिसेस लाइफ फॉर एवरी फन सर।
This is like, this is a blow for everyone, sir. Just see, I want greed. Pollution. See, havoc played on the nature. Now imagine, sir, see this thing, how much contribute, how much this person did for this thing, sir, for protection of environment, sir. They paid with their lives, sir, for just protecting the environment, caring for the environment, sir. Just as universal values are universal, sir, similarly, environment issues are also universal, sir. Sir, probably we cannot just, you know, sacrifice our life, but at the same time, for environment, whatever we can do, sir. Or I'm just asking, not big things, sir. Kya kar sakte hain, sir? I mean, agar aap dekhen conservation of water ke upar kitna kaam kar sakte hain, sir. Think about, reflect upon that, sir. Can we do that, sir? Similarly, on saving tree by using online services, sir. Aaj ki date mein kabhi maine passbook nahi mangi, kabhi kuch nahi manga, because I know everything is available online, sir. Jada download karke apne computer mein main dal leta hun, sir. Can we just reflect upon that? Environment protection ke liye hum kitna kar sakte hain, sir? This is something for you to reflect upon, sir. Keeping environment clean, avoiding spitting, smoking, sir. Agar Singapore mein jao to, in fact, you can't think of spitting, sir. But at the same time, can we be behind Singapore? Are we not the responsible, sir? Hamari concerns nahi hai. Smoking public mein karna, as it is bad for health, kya smoking karna theek hai public mein? These are jo pollution to karta hai. Vehicles ke upar kitna use karna, kya cheez karna hai. And in fact, sir, मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपसे कहूंगा कि जब मैंने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल जन कुछ देख रहा था, बाढ़ आ रही थी कुछ है, तो आई जस्ट सेंट ए कमेंट्स टू इंडियन एक्सप्रेस इन द लेटर टू द एडिटर, व्हिच वाज टेकन एज ए लेटर ऑफ द वीक्स बाय द इंडियन एक्सप्रेस, सर. आई ओनली रोट कि जब गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ शक्ति क्रिएट कर दी और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ग्राम प्रधान को कहा कि कंजर्व वाटर करिएगा ड्यूरिंग द मानसून, उसके बाद जो है सर रेनफॉल आती है, कहीं पर ज्यादा आती है, कोई बाढ़ आ जाती है, सर, क्या ये एड्रेस नहीं करी जा सकती डिसीजन मेकिंग वाले से? क्या मिनिस्ट्री ऑफ शक्ति शक्ति मिनिस्ट्री जल शक्ति मिनिस्ट्री विच वॉज क्रिएटेड, क्या वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में मसला हल नहीं कर सकती? ए लॉट ऑफ डैमेज कुड बी अवॉइडेड इफ द स्टेट एग्रीड टू ए टाइमली डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द अलमति डैम.
बेसिकली क्या है, हम अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बट स्मॉल इट शुड नॉट बी ट्रीट, इफ इट इज ट्रीटेड इन राइट परस्पेक्टिव सब काम किया सकता है। आप सब लोग कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, क्या आप अपने एरिया में कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दिस इज एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, आवर छोटी छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी है दैट कैन डू ए वंडर, नॉट ओनली वंडर सेविंग एक्सटेकर लॉट ऑफ मनी सर। आप आज की टाइम, आज की डेट में बजट जो है एक यू नो दैट डिफरेंट डिजिटल मोड में करा है सर, कितना बढ़िया बात है, क्या चीज़ है, कितना हमको कर सकते हैं। सो इनफैक्ट जहां पर भी जो बैठे हैं आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, दैट इज समथिंग फॉर यू टू रिफ्लेक्ट अपॉन सर। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर अलग का एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया था, मैं छोटा सा एक वीडियो आपको है बट एट द सेम टाइम स्किपिंग दिस वीडियो दैट ओनली एंड आई एम ओनली जस्ट टेकिंग दिस वीडियो एट द लास्ट मिनट, कि एक फादर के मन चेहरे पे कितनी खुशी सी महसूस हो जाती है जब उसका बेटा जो है उसकी केयर करता है सर। तो मतलब कि बेटा समथिंग अगर वो यू नो आई एम टेकिंग टू लास्ट, तो उसको एक आनंद सा आ जाता है कि देखता है कि हर एक चीज उसके कंफर्ट से बना दी जाती है। आपको तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया सर, इंटीग्रेशन सेल्फ के साथ है सर, फैमिली के साथ है, सोसाइटी के साथ है, एनवायरनमेंट के साथ है, हर एक चीज के साथ है। जब आप इंटीग्रेट हो जाते हैं सर, वर्ल्ड विल बी समथिंग वेरी वंडरफुल वर्ल्ड टू लिव इन सर। और अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत तरक्की हुई है सर, बट एट द सेम टाइम अब ये एग्जांपल कितना अलग उस एग्जांपल से जहाँ पे एक बाप जो है अपने बेटे को बड़ा करता है उसको बाहर फेंक देते हैं, यहाँ पर एक बेटा है जो अपने पेर अपने घर जैसा लगा, यू नो दैट एनजीओ में वो कहीं जाता है और यहाँ पर एक बेटा है अपने बाप की ख्वाहिश पूरा करने के लिए, उसको कहता है आइएगा, आई विल क्रिएट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। So, Dr. Alag example, I just see how he just created, connected the family official that worked with him, sir. Sir, generally, ye kaha jata hai ki, main akela hoon, main kya karunga? Mere paas to kuch nahi, taakat nahi hai, society aise chal rahi hai, sir. But at the same time, sir, individual ki taakat kya hai? Maine aapko bataya, individual se badhkar taakat nahi hai. In fact, mera quote to koi mayna rakhta nahi, main baat karunga, mayna nahi rakhta hai. So, that is why I am just sharing a videos, और आपको जो है बताता हूँ कि कितनी पावरफुल एक इंजीनियर की ताकत है। एक एक तो जो है आप देखिएगा, यू नो दैट कैसे एक छोटा सा बच्चा जो है एक इंजीनियर को जो है कर देता है, चेंज कर सकता है। सारे के सारे लोग देख रहे हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सोए हुए हैं, और इसी बीच में किसी गाड़ी अटकी होती है, कोई कुछ नहीं करते है। दो इट मे बी क्रिएटेड सिचुएशन बट एट द सेम टाइम रियलिटीज में आपको देखने के मिलते हैं। वो देखता है मिनिस्टर की परवाह कर रहा है, वो कहता है कि कैसे करा जाए, किसी तरीके से लिया जाए। नोबडी ट्राइज टू क्लियर द ऑब्स्टिकल्स। बट ए चाइल्ड कम्स ही सेज कि क्या कर रहा है ये, उनको मिनिस्टर साहब को मैंने आपको बताई क्रिएटेड है, बट एट द मैसेज इज वेरी क्लियर। He just throws his bag, he's like, karna hai. Aur usi ko dekh ke, how the thing started moving. So it is, you know, virtually moving the conscience, inner self of the person's concerned. Ki yaar, dekho, agar bachcha kar sakta, hum kyun nahi kar sakte? And there are many instances, sir, jab aapko example milne ke hai. Jaise maine aapse share kiya hai, ki group D employee ne jitna mujhe move kiya, aaj tak kisi ne nahi kiya move kiya. वी अप्रिशिएट हमारे हीरोज बने हुए हैं, सचिन तेंदुलकर सब कुछ बने हुए हैं, बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ योर हीरोज इज योरसेल्फ सर। एंड दिस इज जस्ट ए इमेजिनरी बिकॉज ये देखे कि एक हमिंग बर्ड जो है व्हाट एग्जैक्टली शी डज, जब देख रहे कि कहीं पर तूफान लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, बट एक हमिंग बर्ड आती है और वो कहती है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है
ये मैं उस इसने एक दिस इज ए विजुअल क्रिएटेड दिस इज वीडियो क्रिएटेड फॉर कन्वेइंग मैसेजेस एंड समटाइम्स वी कैन गेट कंप्लीटली ओवरवेल्मड द स्टोरी ऑफ द हम्मिंगबर्ड इज अबाउट दिस ह्यूज फॉरेस्ट बीइंग कंज्यूम्ड बाय अ फायर ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कम आउट एंड दे आर ट्रांसफिक्स्ड एज़ दे वॉच द फॉरेस्ट बर्निंग And they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, puts it on the fire, and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you are big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I'm doing the best I can. And that, to me, is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. So this is a quote from the Pluto, he says, state is individual at large, sir. If we see the progress today, sir, that again, this credit goes to the individual, sir. I shared with you, okay, sir, income tax department, individuals, yeah, people like us only who have created a online system, MCD, Delhi Jal Board, property tax, you know, that kahin na kahin jaakar individual involvement, you know, itna life ko ease kar diya hai ki aaj ki date ke andar jo hai, aapko kahin jane ki zarurat nahi hai, ghar par baithe baithe jo hai, har ek cheez kar sakte hain, sir. So power of individual is definitely this wonderful, sir. And as I said, ki I am just taking quotes of those persons who are respected by every person, sir. And this is a quote from Mahatma Gandhi. He says, must be change you wish to see in the world, sir. This is what exactly Mahatma Gandhi says, sir. Second quote of Mahatma Gandhi was, this is taken from the fourth report of second admittance, which was on governance, sir. Second message, as human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world, that is the myth of the atomic age, as in being able to remake ourselves. When we just change ourselves, you have to remember the inner purity, sir. Wo virtues jo hain, wo aapko values hain, agar hamare paas rahengi to sir, koi reason hi nahi hai ki hamare ghar pe koi klesh ho, hamare society pe klesh ho, ya hamare nation pe klesh ho. We'll get together, sir. In fact, I read reading a book. They said that there's still a place where neighbor is bothering about neighbor. वो कभी एक दूसरे को तकलीफ और वहां पर जो है ना ब्लड प्रेशर है ना कोई वहां पर कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम है बिकॉज एवरीबडी इज सो हेल्पफुल कि पीस जो है एक जेनरेट हो रखी है और पीस जनरेशन के अंदर ईच एंड एवरी पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर cover page of this thing, sir. Poem, sir, I think I will skip, sir, because this was my poem. Summing up, I'm just summing up, sir. And in fact, summing up, when I say, sir, everyone is important, sir, and everyone has assigned role in the family, society, national building, and in the universe, sir. Nobody can deny it, sir. Acknowledgement is role is as important as performance of role, sir. Role played by each individual entity, national, remembering values, universally accepted will have its positive impact everywhere, sir. Sir, before I just do that, sir, I will just give you an example, sir. Everybody has a role, sir. Everybody is important, sir. Sir, kuch samay pehle, aaj se pehle, 60s wagaira ke andar mein, vultures ki jo hai, population kam hone lagi, sir. And vultures are natural scavengers, sir. अगर वो जो डेड बॉडीज हैं उनको जो खाते हैं उनको कुछ नहीं होता सर तो देर वॉज ए रिडक्शन इन पॉपुलेशन सर और रिडक्शन इन पॉपुलेशन की वजह से क्या होने का वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने से डेड बॉडीज पड़ी होती है जैसे कुत्ते खाने लगे कुछ खाने लगे
जब कुत्ते खाते उनको अलग बीमारियां होने लगी, अलग बीमारियां होने की वजह से वो जो काटते थे लोगों को अलग बीमारियों से सर. नेशंस गेट टुगेदर सर, नेशंस गॉट टुगेदर सर, एंड इंडियन पाकिस्तान वर आल्सो अमंग देम सर, जब उन्होंने कहा कि वल्चर्स की पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए सर. कहने का मतलब ये है बेसिकली सर, हर एक सोसाइटी में, जब आपको मैंने शुरू में दिखाया था, एवरी पर्सन हैज हिज रोल सर, एंड एवरी पर्सन रोल, एवरी पर्सन प्लेइंग हिज रोल अकॉर्डिंग टू कंसर्न सर, नॉट लाइक ए क्रूक सर. क्योंकि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट और आप सोसाइटी को खाना शुरू कर देंगे तो उससे नहीं होगा सर. आप जो है बेसिकली, आप जो है अगर अपने कॉन्सेंस के हिसाब से काम करने लग जाएंगे, अपनी प्योरिटी को रखेंगे, ऑनेस्टी को रखेंगे, अनसेल्फिशनेस को रखेंगे, लव को रखेंगे और अपना पब्लिक सर्वेंट में अपना काम करेंगे, डेफिनेटली ए वर्ल्ड ए देयर विल बी ए सी चेंज सर. ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड मच सर. ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अचीव नहीं कर रखा, बहुत कुछ अचीव कर रखा है सर, बट तो हमको नेक्स्ट हाइट्स पे जाना है सर. इनफैक्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस नो मैसेज ऑफ आवर यू नो ग्रेट लीडर्स. स्वामी विवेकानंद का मैसेज देखिएगा, महात्मा गांधी जी का देखिएगा, सुभाष जी को देखिएगा. Everybody has said something, everybody has, you know, they contributed to the world, not only to the India, sir. आप देखिए मार्टिन लूथर को देखिएगा, जब वो कहते थे कि मैंने महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी पढ़ के मैंने लिया, तो मैंने कहा इनफैक्ट दिस इज अ वंडरफुल वर्ल्ड, जहाँ पर दिस इज अ वंडरफुल प्लेस, जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों को जो है वी आर फॉर्चुनेट टू हैव देम. और आई एम श्योर कि सर, कि जब हम हर एक कोई अपना रोल प्ले करेंगे तो हर एक चीज एक अलग होता है. दिस इज व्हाट आई से, इफ वल्चर्स आर इंपॉर्टेंट सर, तो आप अंदाजे लेके ह्यूमन बींग्स कितने इंपॉर्टेंट है. और बैलेंसिंग तो रखनी से रखनी पड़ेंगे, हर एक चीज का होगा. और एथिक्स एंड वैल्यूज, वैल्यूज को अगर आप रखेंगे, वैल्यूज के अंदर क्या है कि दिस, अगर सर्विस के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो सर्विस, या आर सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो सर्विस जो है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विस कैन बी देयर सर, बट ईच इज प्लेइंग इट्स ओन रोल सर. अगर आप कोई अच्छी एलीट सर्विस को बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ द पर्सन वर्किंग अंडर यू सर. यू हैव नॉट टू कर्ब दैट ग्रोथ सर, यू हैव टू डेवलप देम सर. एंड वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी इनर वैल्यूज आएंगे सर. एंड हैव अ लुक एट द मैसेज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड दिस मैसेज इज सर, एथिक इज कॉट नॉट टॉट. मैंने आपसे, जब तक ये आपके इनर सेल्फ को नहीं ये करेगा सर, तब तक मेरा जो ये जो इवनिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगा. इट विल बी सक्सेसफुल ओनली जब आपकी इनर कॉन्शियस को मैं कुछ बात कह सका हूं. चाहे मैंने कुछ अपने एग्जांपल्स दिए, मैंने गलतियां भी करी होंगी, ऐसा नहीं कह सकता मैंने गलतियां नहीं करी हैं. मेरे को भी आज भी कुछ रिग्रेट्स होते हैं कि मैंने कैसे क्या क्यों कर दिया सर. बट एट द सेम टाइम जब मैं अच्छे काम करके हटता हूँ, सो आई हैव कम्फर्ट, आई हैव दैट जीप सर, नॉट बलेरो और समथिंग लाइक, आई हैव जॉय, एनर्जी, एंथुसियाज्म, पीस. आई विल जस्ट गिव यू एग्जाम्पल सर, बिफोर आई जस्ट टेक यू टू द सॉन्ग सर. आई वॉज वर्किंग इन MRTP कमीशन सर, और MRTP में काम करते करते मेरे पास में एक, मैंने आपसे LML का एग्जाम्पल दिया जहां पर आया था, तो एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बड़ा सा कहने लगा कि मैंने जो है, आई वॉज वर्किंग देयर बिटवीन 1988 एंड 1993. तब उस टाइम पर जो है काफी TV वगैरह भी जो है बड़ा एक कॉस्टली अफेयर था. दैट जेंटलमैन केम टू मी, ही सेड कि सर मेरा TV ठीक नहीं चलता सर. मैंने कहा कोई बात नहीं, तो क्या करूं. मैंने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं आपको, मेरे को कंप्लेंट दे दीजिएगा और मैं उसको आगे भेज देता हूं. मैंने उसको कंप्लेंट देने की बात किया, मैंने उसकी कंप्लेंट लिखी, लिखने के बाद मैंने उस कंपनी को भेज दिया सर. कंपनी को भेजने के बाद कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव उसके घर पर पहुंचे सर. घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने उसका TV थोड़ा बहुत ठीक किया होगा, बट अगेन प्रॉब्लम केम टू बैक टू स्क्वायर वन सर. अगेन केम टू मी सर, इसे कि भाई सर मैंने कंप्लेंट तो की, 5-7 दिन चला हुआ, फिर वैसे हालत है सर. तो हमारे यहाँ पर सर, जैसे MRTP कमीशन, जिसका अब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका रिप्लेसमेंट है सर, तो वह MRTP कमीशन होता था सर. तो मैंने उसकी जो केस जो था वहां पर डलवा दिया कमीशन में. मेरे पास भी चॉइसेस दो थी सर, या तो मैं खुद केस डालता या मैं उसको जो है बेसिकली वकील को कहता कि तू वकील से बनवा लो, डाल लो सर. अब 10,000-12,000 रुपये के रुपये अगर वकील के पास होता, 2-3,000 रुपये वो खुद ही झाड़ देता सर. तो मैंने क्या करा सर, मैंने कहा ऐसे का मुश्किल नहीं, आप बना सकते हैं, परंतु सीइंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ दैट पर्सन सर, आई प्रिपेयर्ड द कंपनसेशन एप्लीकेशन ऑन हिज बिहाफ सर, एंड यू नो द फाइल इट बिफोर द कमीशन सर. जब मैंने कमीशन के सामने फाइल करी, तो वो कोर्ट मास्टर होते थे हमारे, विजय कुमार अग्रवाल, उसको हमने बोला कि यार देखो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, जान पहचान नहीं है, बट ये आदमी बहुत नीडी है, ये आदमी इतने बड़ी मेहनत से ये पैसा कमाया है, देखो इसको कैसे जाने दिया सकते हैं, तुम ऐसा कर देना इसकी डेट जो है कोर्ट के सामने जल्दी लगवा दो यार. विजय कुमार आल्सो गॉट इन्फ्लुएंसर, सो आई, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि एथिक्स कॉट नॉट टॉट सर. उसने बात मेरी सुनी तो उसको भी इन्फ्लुएंस करी सर, उसने तुरंत जाके कमीशन के अंदर में 10 दिन के अंदर लगा दिया सर, और नोटिस भिजवा दिया कंपनी को सर.
जैसे ही कंपनी को नोटिस भेजा सर, उन्होंने तुरंत जाकर उसको जो है पैसा वापस दे दिया। उसने कहा क्या चाहिए, उसने कहा मुझे पैसा दीजिए। उसने पैसा दे दीजिए विद कंपनसेशन दे दिया सर। नाउ सर दैट थिंग रिमेन्स यू नो दैट वेरी प्लीजिंग टू मी। मेरा उसके बाद कोई उससे मतलब नहीं पड़ा, कोई नाता नहीं पड़ा सर। दैट इज व्हाट एक्चुअली लाइफ बैलेंस शीट सी दैट यू डू समथिंग विदाउट एनी कंडीशन सर। मैं उसका नंबर नहीं जानता, कुछ नहीं जानता सर, बट एक सेटिस्फेक्शन सी आती है कि मैंने उसको कर दिया सर। सो सर दिस इज व्हाट एक्चुअली एथिक्स गॉट नॉट आउट सर। आई टोल्ड यू अबाउट सरदार वल्लभ पटेल व्हाट ही सेड, उसके अंदर एथिक्स एंड वैल्यूज एंड गवर्नेंस का छुपा हुआ है सर। व्हाट एक्जैक्टली महात्मा गांधी सेड छुपा हुआ है सर। अगर और भी मैंने आपको एग्जाम्पल छुपा हुआ है सर। तो लेट अस कंक्लूड दिस इवनिंग बाय सर एक ऐसा गाना सर जिसको जो है सुनकर जो है एथिक्स एंड वैल्यूज एंड पब्लिक गवर्नेंस अपने आप ही उभर कर आती है सर। सर हैविंग आपके साथ मैं शेयर किया, अगर आप देखिए इसके अंदर एसेंस छुपा है। ये दो आंखें 12 हाथ का गाना है सर, और मूवी के अंदर स्टोरी लाइन ये है कि एक आदमी जो है जेलर है वो रिफॉर्म करने की कोशिश करता है 5-6 लोगों को। नॉट ओनली दैट दोज पर्सन रिफॉर्म बट गॉट रिफॉर्म बट एट द सेम टाइम ही सेक्रीफाइज लाइफ फॉर रिफॉर्मिंग दोज पर्सन सर। उसको लगता है कहीं और लोग आ जाते हैं सर। सर ये एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो कई चीज़ों के अंदर एसेंस ऑफ एथिक्स छुपा है, जो हमारे साथ जो स्ट्रक्चर जो है हमसे आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के अंदर बांटा गया, हमने अपनी लाइफ के एग्जांपल्स और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स थ्रू आपके शेयर किया सर। इनफैक्ट सर मैंने जैसे आपसे कहा कि देर आर मेनी पर्सन्स हु हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ कॉन्सेंस सर, बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि कभी कभी हम जो सबॉर्डिनेट्स की तरफ जो है एक जो है बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ वर्क किसी तरह से मूव कर जाता है।
that is something for some take for the senior officers if they want to have a look, take that and you know that just try to come out with some idea कि जिससे उसको अपना output जो है बढ़ाई जाए, किसी के तकलीफों को समझा जाए और किसी के जो है परेशानियों को समझकर उसको जो है solution निकाला जाए. एथिक्स एंड एथिकल वैल्यूज की बात की, कंडक्ट की बात करी सर, बैलेंस शीट की बात करी, जॉब विद पॉट के थ्रू मैंने बात की, बाल गेम के थ्रू बात करी सर. इनफैक्ट आई एम श्योर अगर ये है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो इसका ऑडिट जो है एक करना बहुत जरूरत है, कभी आपको समय मिले तो इसका देखिए कि आज के सेशन के बाद में वाज इट रियली वर्थ वाइल. नंबर वन, अगर वर्थ वाइल था तो इसका सोशल इसका जो है ऑडिट करके कितने लोगों को इसने प्रभाव किया सर. I am sharing with the facts, sir. I am absolutely bare facts, sir. आज जब मैं मॉर्निंग में उठा तो आई वॉज लिटल बिट वरीड सर, क्योंकि मेरे पास एक 999 का जियो का पैक है जिसके अंदर स्पीड जो कंप्यूटर का 150 मेगाबाइट्स पर सेकेंड आती है सर. वो पैक खत्म हो रहा था 4 फरवरी को सर. ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था तो मुझे थोड़ी सी वरी थी सर. तो अर्ली मॉर्निंग वट एग्जैक्टली आई डिड, आई जस्ट परचेज द पैक ऑफ 1499 so that which gives a speed of 300 megabytes per second sir. I never wanted any interruption to take place in this system, in this sort of communication of this our interaction on this particular topic sir. In fact I am thankful to you for having been given an opportunity. And if it concluding this session, I would only request participants, you have got with me you have got with you my email, you have got with you my mobile number. अगर आपके लाइफ के अंदर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको इस सेशन के बाद आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि आपने किसी को बुरा किया और आप अगर उसको सॉरी फील कर देते हैं, कुछ करते हैं, या किसी ने आपका भला किया उसको ग्रेटिट्यूड का फीलिंग दे देते हैं, प्लीज डू शेयर विद मी. और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी एंड दैट विल बी रियली satisfying for me, but I will await for, I'm sure that I will have definitely some feedback from all of you. And with this I just conclude with the national anthem. I would request every person to stand wherever they are and in fact just enjoy this or be with this country by reciting the national anthem. Sir, and thank you, Chuk sahab. National anthem ke baad kuch kaha nahi jata hai. Kaha nahi jata hai. Lekin ye hai ke chuki parampara hai, because it's a training workshop, and as the coordinator of this training workshop, I'm expected to speak a few words. So, mujhe apni duty puri करनी है.
It has been such a wonderful workshop और मुझे उम्मीद तो थी पर ये वर्कशॉप इतना बढ़िया होगा इसकी उम्मीद नहीं थी. बहुत सारी बातें नॉट ओनली अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन बट अबाउट लाइफ, अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स, अबाउट पब्लिक गवर्नेंस, एवरीथिंग पुट टुगेदर. और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो आपने कहा दैट my sentiments. So thank you very much. Also, I felt ke jis kisam ke videos aapne apne workshop mein lagaye hue the, usko agar physical training session mein usko play kiya jayega, jab usko show kiya jayega, to they will have a much much greater impact. Sir. I'm very sure about all that. Lekin aapke online workshop session mein they had I would say limited appeal, limited impact. Lekin isme kisi ka koi dosh nahi hai. Ji. Full marks to you, sir. In fact, more than full marks to you, sir. Aur bahut acha ye. In fact, very successful. Thank you, sir. Slightly out of box. Slightly out of box. It is strictly speaking not just an administrative training section, but it training session. But it's actually a human resource training session. Sir. That is what it was. So thank you very much, sir. Thank you very much for thanks a lot, sir. Thank you for giving me an opportunity. सारे participants का धन्यवाद करना चाहता हूँ. हमारे गुप्ता साहब नजर आ रहे हैं. Thank you very much for having joined us, and all the other participants who took time out of their busy schedule, office work. और समय निकाल करके इसमें आए और लगातार इसमें शामिल रहे. चतुर्वेदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू अभी मैं आपको ढूंढ रहा था. चतुर्वेदी जी मेरी आवाज आ रही है? चतुर्वेदी जी हमारे यहाँ एडीपी हैं. मैं आपको अभी ढूंढ रहा था. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक फ्यू वर्ड्स, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे. चतुर्वेदी जी से पहले तो मैं आदरणीय आपका स्वागत इस समय कर रहा हूं कि पीछे सुनता रहा. बहुत ही है कि हम जो भी चरित्र हैं कैसे परिवर्तित करें के जो प्रणाली है जिसको हम वर्क कल्चर कहते हैं, कार्य संस्कृति कहते हैं, उसमें आत्मक अपनी भूमिका निभा सकते हैं. इस बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी. साथ ही साथ हमारे बहुत ही साथी इसमें बहुत दिलचस्पी से जो जुड़ा मैंने देखा, शुरू में थी वो अंत तक बनी रही, लोग छोड़ के हटे नहीं, सारे लोग बहुत ध्यान से सुने. और निश्चित रूप से समय समय पर ये मोटिवेशनल आपके शब्द उत्साहवर्धक हमें बिल्कुल एक तरह से इनकरेज कर रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे, हमारे मन को प्रफुल्लित कर रहा था ये सब कुछ. और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं सरकारी सेवा कार्यों में अब छोटी छोटी गलतियों को अगर सुधार लें, अपने व्यक्तिगत ऐसे पहलू जिनको आपने टच किया आज, उन सारी चीजों का अगर थोड़ा बहुत देर तो पूरी कार्य संस्कृति बदल जाएगी. और इस कार्य संस्कृति के बदलने से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम भी सुखी होता है, हम स्वयं बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक सहज जी की पूरी कल्पना को साकार कर सकते हैं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद चुक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. साहब आपसे फिर हमें मिलाते रहेंगे, भविष्य में हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे. लास्ट वर्ड मैं अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ. मेरी साथी मैडम गुंजन प्रिया, हु हैज ऑपरेटेड दिस एंटायर सिस्टम ऑल थ्रू,
मेरे साथ ही डॉक्टर उमा शंकर सिंह, जो कि इस समय मेरे साथ नहीं है, बट ही हैज बीन ऑपरेटिंग दिस एंटायर सिस्टम फ्रॉम सम डिस्टेंस, और वो लगातार इस चीज को देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं. तो और दूसरे भी कई साथी बहुत सारे हैं जिनके नाम इस वक्त जो है वो सबों का ले पाना संभव नहीं है, बट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर हेल्प एंड कोऑपरेशन एंड काइंड ऑफ कीप सपोर्टिंग मी फॉर दिस एंटायर ट्रेनिंग सेशन. तो मैं उन सब लोगों का कलेक्टिवली धन्यवाद करता हूँ. चुग साहब, आपका विशेष रूप से धन्यवाद, हमारे सामने आए, हम लोगों के साथ रहे इतने समय और इतना इंटरेस्टिंग. मेरी खुशनसीबी सर, मेरी खुशनसीबी सर बहुत ज्यादा, और मेरा भी सब लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर अपना इनपुट शेयर करेंगे मुझसे, जो कि मैं आगे भी लोगों के साथ जो है एक एनकरेजिंग वर्ड्स जो है, कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट डीड्स और कुछ होगा जो आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मैं शेयर कर सकता हूँ. ऐसी कुछ अच्छी चीजें जरूर मुझे मिलेंगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ. और अगेन बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपॉर्चुनिटी देने का, और इस अपॉर्चुनिटी का जो है एक मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, हम लोग फिर मिलेंगे. ओके सर, फिर मिलेंगे सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.